मोनिका की एजेंसी इस मौके को समझ गई और उसने तुरंत ये न्यूज रिलीज कर दी कि मोनिका किसी बहुत बड़ी फिल्म में हिस्सा लेने वाली थी। इसीलिए उसने पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए ये शर्मनाक हरकत करते हुए टीना और जोन्स के बारे में ये सब कहा, ताकि वो भी टीना की तरह एक्टिंग की दुनिया में अपनी किस्मत आजमा सके। एक्टिंग, मोनिका की एजेंसी इसे एक्टिंग कह रही है। मोनिका को इतनी हिम्मत दी किसने? और वैसे भी टीना के बारे में चाहे कितनी ही अफवाहें क्यों ना उड़े, पर उसकी एक्टिंग का लेवल कुछ और ही है, जहां तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है, जिसे सब देख ही चुके हैं। और दूसरी तरफ मोनिका की हैरान कर देने वाली एक्टिंग तो वो उस ऑडिशन में उस अमेरिकन प्रोड्यूसर के सामने वो देख ही चुकी है, तो फिर टीना की बराबरी करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? ये तो साफ जाहिर था कि मोनिका और उसकी एजेंसी बेवकूफ नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी से अपने आप को कंपेयर कर रही है या नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि मोनिका का नाम लगातार सुर्खियों में था। यही अंदेशा मानव के भाई को था। इंडस्ट्री में टिकने के लिए कौन है जो थोड़ी बहुत चालबाजी नहीं करता है? कोई भी जो थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट होगा वो ये समझ जाएगा कि मोनिका टीना के हादसे का फायदा उठा रही है। टीना ने जो कुछ भी किया उसके लिए वो एक उदाहरण बनकर सामने आया था। आखिर ये रास्ता उसके लिए कामयाबी हासिल करने का फुल प्रूफ रास्ता था। एक तरफ तो जैसे ही उसका नाम चर्चा में आया तो उसकी एजेंसी के इन्वेस्टर्स एडवर्टाइजर्स बहुत खुश हो गए, और दूसरी तरफ पब्लिक उस पर थू-थू कर रही थी, क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ नाम और प्रॉफिट कमाने से मतलब होता है। जब उनकी जेब पैसों से भर जाती है तो उसके बाद उनके लिए अपना नाम साफ करना आसान हो जाता है। टीना की एक्टिंग इतनी अच्छी है, लेकिन फिर भी आज उसका नाम इस घटिया लड़की के साथ ही लिया जा रहा है। ये तो बहुत ही घटिया बात है। अब जब हम इस पॉइंट पर पहुंच ही चुके हैं तो मैं तो बस इतना ही कह सकता हूं कि मोनिका की एजेंसी बहुत ही बेशर्म है। मैं भी जानता हूं कि वो बस यूं ही शोर मचाना चाहते हैं, लेकिन इसमें हिस्सा लेने के अलावा मैं कुछ और भी नहीं कर सकता हूं। मैं भी उसके इस घिनौने काम का हिस्सा हूं। इसी वजह से ऑनलाइन फैंस को एक बार फिर टीना की अच्छाइयां नजर आने लगी। हर बार जब भी वो कुछ नया करने वाली होती है तो उसे ऐसे ही भला बुरा कहा जाता है। कम से कम उसके पास दिखाने के लिए कुछ तो होता है, फिर चाहे उसे कितना कुछ बर्दाश्त क्यों ना करना पड़े। लेकिन मोनिका उससे बिल्कुल अलग है। उसे तो एक मजाक ही समझा जा रहा है, लेकिन उसे इस बात की परवाह कहाँ। पर टीना के पास उस नीच लड़की को अवॉइड करने के अलावा कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बेशर्म है। अगर मोनिका का ये कहना है कि टीना ने उसके खिलाफ चाल चली है तो टीना अब क्या करेगी? मोनिका ने जो कुछ भी किया उसे देखकर रितिका को बहुत गुस्सा आ रहा था। एक इंसान जिसे शर्म ही ना हो तो उसका कोई क्या कर सकता है। सबसे दुख की बात तो ये थी कि सुपरस्टार मीडिया अभी भी उसके हाथों में ही थी, लेकिन रितिका ने खुद उसे अपनी एजेंसी को उसे दे दिया है, तो फिर अब उसे टीना के मामले में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है? इसीलिए जब से सुपरस्टार मीडिया मुसीबत में है तब से रितिका ने खुद को घर पर ही बंद करके रखा, और वो अब ज्यादा से ज्यादा समय अपनी बेटी के साथ बिताने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो खुद अपने आप का ही सामना नहीं कर पा रही है। न्यूज के जरिए जब रौनित की माँ को ये पता चला तो वो उसके बेटे को घर ले जाने का ही इंतजार कर रही थी, और उसने देखा कि रितिका आजकल अक्सर घर पर ही होती है, कुछ काम नहीं कर रही है, तो उसने रौनित की गैर हाजिरी में उसके घर जाने का फैसला किया। वैसे तो रौनित ने उनसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, पर फिर भी वो थी तो उसकी माँ ही। उनके बीच चाहे कितनी बहस क्यों ना हुई हो, पर अभी भी वो उन्हें मानता तो अपनी माँ ही है ना, तो फिर उनके बीच दुश्मनी कैसे हो सकती है? और फिर जैसे ही दरवाजा खोलते रितिका ने अपनी सास को देखा तो वो हैरान हो गई। तभी उसकी सास ने उसे एक तरफा धक्का दिया और खुद अंदर चली गई, और अंदर जाते जाते बोली, मैंने सुना तुम्हारे साथ हुए उस हादसे के बारे में, मुझे लगा इसके बाद तो तुम कुछ रहोगी नहीं। रौनित की माँ ने अपनी पोती की तरफ नफरत भरी निगाहों से देखते हुए बोला, क्योंकि अब तो सरोगेसी की मदद से उसके पास उसका पोता जो आने वाला है, जिसे वो रौनित का बेटा ही मानती है। वैसे भी एक औरत की ही जिम्मेदारी होती है अपने पति का ध्यान रखने और अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देने की। देखो इतने टाइम तक इतनी कोशिश करने के बाद भी तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगा। तभी रितिका ने अपनी सासू माँ से पूछा, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप यहाँ क्यों आई हैं? रौनित की माँ ने पीछे मुड़कर रितिका की तरफ देखा और फिर बातों को गोल गोल ना घुमाते हुए उन्होंने सीधे ही कह दिया, पहले जब मैंने तुम्हें रौनित को एक बेटा पैदा करने देने के लिए कहा था तो तुमने ऐसा कहा था जैसे वो बहुत ही मुश्किल काम है। अब तो उसके लिए तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रौनित का एक बेटा है जो बहुत जल्द इस दुनिया में भी आने वाला है। और हाँ, मैं ये भी जानती हूँ कि तुम उस बच्चे को नहीं अपनाओगी, लेकिन रौनित को तो उसका बाप होने के नाते उसकी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। और आज इसलिए मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आई हूँ कि अब से रौनित मेरे साथ उसका बाप होने के नाते ज्यादा वक्त बिताने वाला है।
और अच्छा होगा कि तुम और तुम्हारी बेटी इस बात को जल्द से जल्द समझ जाओ तो। लेकिन अगर तुम नहीं भी समझोगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी अगर तुम शांति से अपनी जिंदगी जीना चाहती हो तो तुम्हें इस बात को बर्दाश्त करना सीखना ही होगा। ये सुनकर रितिका कुछ सोचते हुए बोली, आप सबको इतना परेशान क्यों करती हैं? इसके आगे मुझे तुमसे कुछ और नहीं कहना है, आज के लिए इतना ही काफी है। ये बोलकर बिना अपनी पोती से मिले वो वहां से चली गई, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अब तो उनका पोता उनके पास आने ही वाला है। इस बारे में सोचते हुए रितिका टेबल की तरफ झुकते हुए थोड़ी देर तक हंसने लगी। वो परेशान भी थी और हैरान भी। और फिर उस रात जब रौनित घर वापस आया तो रितिका ने उसे दोपहर में उसकी सास के साथ जो भी बातचीत हुई उसके बारे में बताया। उसकी बातें सुनकर रौनित ने अपनी बेटी को अपनी गोद में उठाया और धीरे से कहा, मैं हमेशा तुम्हारे और हमारी बेटी के साथ हूँ, और तुम्हें तो उस बच्चे के पीछे की कहानी के बारे में सब कुछ पता ही है, तो फिर तुम इस मामले को कब सुलझाने वाले हो? इसे किसी बड़े अफसर पर करना होगा ताकि उसका असर भी बड़ा हो सके, क्या तुम्हें नहीं ऐसा लगता? रौनित ने पूछा। रणविजय के साथ इतने सालों से काम करते करते रौनित भी काफी समझदार हो गया था। कई बार लोगों को अपने परिवार के लिए कॉम्प्रोमाइज करने ही पड़ते हैं, लेकिन इन कॉम्प्रोमाइजेस से सिर्फ गलतफहमी और दर्द ही हासिल होता है। अगर ऐसी बात है तो फिर कोई ऐसा करता है क्यों है? रितिका रौनित की तरफ देखने लगी और उसे उस पर पूरा भरोसा था, इसीलिए उसने कहा, तुम चिंता मत करो, मैंने उनकी बातों का बुरा नहीं माना है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छे पिता और पति हो। और रही बात तुम्हारे पेरेंट्स की, तो उन्हें खुश करने के लिए हम पहले बहुत कोशिश कर चुके हैं, पर फिर भी अगर हमें वो गलत या नालायक समझते हैं तो इस बात को मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात। हाँ, वैसे आज मैडम ने मुझे तुमसे एक बात कहने को कहा था कि तुम जब भी चाहो उनके असिस्टेंट के रूप में उनके साथ काम करने जा सकती हो। रितिका ने सिर नीचे करके मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल मैं जाना चाहती हूँ, और इसके अलावा उसके पास चारा भी क्या था? उसने इतनी मेहनत की और उसका फायदा कोई और उठा कर ले गया। अच्छा सोचो और इतना परेशान मत हो, तुम ऐसी नहीं हो, रौनित ने उससे कहा। रितिका ने सिर हिलाते हुए हाँ कहा और फिर उसे थोड़ी घबराहट होने लगी और फिर वो भागती हुई बाथरूम की तरफ उल्टी करने चली गई। उसने कुछ दिन से ठीक से खाया भी नहीं था और काफी शराब भी पी थी, इसलिए हो सकता है उसका पेट खराब हो गया हो। इसलिए रौनित ने इस बात के बारे में ज्यादा नहीं सोचा और उसने अपनी फैमिली डॉक्टर को फोन करके अगले दिन उसे हॉस्पिटल चेकअप के लिए ले जाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लिया। जबकि उधर मोनिका ने देखा कि टीना उसकी हरकतों का कोई जवाब नहीं दे रही है, तो उसकी हरकतें और भी खराब होती जा रही थी। उसने सिर्फ अपनी उस फिल्म वाली बात से शोर मचाने के लिए टीना और जोन्स को ही बदनाम करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने कई चैरिटी वर्क भी करना शुरू कर दिए, ये कहकर कि टीना ने कभी ऐसा कोई अच्छा काम किया ही नहीं है। टीना ने जब ये देखा तो उसे समझ में नहीं आया कि मोनिका ये सब करके अपने लिए कौन सी इमेज बनाना चाहती है। और जब तक जोन्स मुंबई में है तब तक उसके पास मोनिका की इन फिजूल की हरकतों का जवाब देने का टाइम नहीं था, इसलिए वो उसके बजाय चुपचाप बैठकर देख रही थी कि ये बेवकूफ लड़की किस हद तक जा सकती है। शोहरत कमाने के चक्कर में मोनिका कुछ टाइम के लिए अपना कॉन्फिडेंस ही खो चुकी थी। कम से कम उस समय तो उसे टीना जैसा चेहरा होने का फायदा समझ में आया, और अब जाकर उसे समझ आया कि उसकी एजेंसी ने उसके लिए टीना का ही चेहरा क्यों चुना था। और जिस तरह से मानव ने अपनी चाल चली थी तो मोनिका ने भी निडर होकर साजिश करना सीख लिया था, क्योंकि अगर उसे किसी परेशानी का सामना करना ही पड़ा तो वो उसका इल्जाम आसानी से टीना पर लगा सकती है, तो फिर क्यों ना कुछ करे। उसका नया काम एक ज्वेलरी ब्रांड के लिए इवेंट करना था, और संयोगवश उसी बिल्डिंग में टीना की उसी ब्रांड के लगे पोस्टर पर उसकी नजर पड़ी, जिसे देखकर रिपोर्टर्स ने भी पूछा उसे टीना और अपने बीच के रिलेशन के बारे में कैसा महसूस होता है। ये सुनकर वो टीना के उस पोस्टर के पास खड़े होकर मुस्कुराते हुए बोली, मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं टीना और खुद को एक स्टेज पर खड़ा देख सकूं, और मुझे लगता है कि हम दोनों जरूर अच्छे दोस्त बन जाएंगे। आपको उसके साथ स्टेज शेयर करने में बुरा नहीं लगेगा? मुझे भला क्यों बुरा लगेगा, मोनिका ने कंधे उचकाते हुए कहा। सुपरस्टार मीडिया को टीना जी ने ही तो बनाया है, लेकिन किसी तरह आखिरी में वो मेरे पास आ गई है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मैं उस एजेंसी के उद्देश्य को पूरा कर सकूं, और इस मौके का फायदा उठाकर मैं टीना जी को ये बताना चाहती हूँ कि मैं उनकी एजेंसी का ख्याल अच्छे से रखूंगी। तो उनकी बातों का क्या मतलब है,
ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी ने एक बच्चे को जन्म दिया हो और फिर उसे किसी ने चुरा लिया हो, और गुनहगार सबको ये बताने की कोशिश कर रहा हो कि वो बिना किसी अफसोस के उस बच्चे का अच्छे से ख्याल रखेंगे। कोई सोच कैसे सकता है कि मोनिका इतनी बेरहम होगी, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर चाहे मोनिका सारी अटेंशन लेने में लगी हुई थी और टीना उसे अवॉइड किए जा रही थी, उन दोनों के बीच की इसी टेंशन से काफी देर तक मीडिया को मजा आ रहा था। वैसे तो मोनिका ने वादा किया था कि वो सुपरस्टार मीडिया का अच्छे से ख्याल रखेगी, शायद उसकी यही बात सबसे ज्यादा ताना मारने वाली थी। क्या वो टीना के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर रही थी? और दूसरी बात ये थी जिसने लोगों को बेचैन कर दिया था कि टीना भी उसकी किसी बात का भी जवाब नहीं दे रही थी। उसकी तरफ से मोनिका के खिलाफ अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया था, लेकिन ऐसा इसीलिए था क्योंकि वो आजकल जोन्स को मुंबई घुमाने में बिजी थी और वो उसके साथ एक फैमिली मेंबर्स की तरह समय बिता रही थी, लेकिन जोन्स की नजर उस सिचुएशन पर ही टिकी हुई थी। कुछ दिनों बाद जोन्स ने सोचा कि अब उसे यूएस वापस जाना चाहिए, और उसके रिटायरमेंट के बाद वो सबसे पहले मुंबई आया था और उसे लग रहा था कि वो यहाँ के बारे में काफी कुछ जान चुका है, इसीलिए उसने अपनी बीवी के साथ वहां से जाने का फैसला किया। टीना, मैं जानता हूँ कि अगर कुछ दिन और मैं यहाँ रहा तो तुम मेरे साथ ही बिजी रहोगे और तुम्हें तुम्हारी उस घटिया हमशक्ल से निपटने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये सुनकर टीना ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं उससे तो कभी भी डील कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अपनी इतनी खास टीचर के साथ समय बिताने का मौका बार बार थोड़ी मिलेगा। मैं कल अपनी बीवी के साथ यहाँ से जा रहा हूँ। क्या आप कुछ और दिन यहाँ नहीं रुकना चाहेंगे? टीना ने पूछा। नहीं नहीं, वैसे भी अब मेरी बीवी को हमारे पोते पोतियों की याद आ रही है, जोन्स ने कहा। हम लोग कल एयरपोर्ट पर खुद ही चले जाएंगे, तुम्हें हमें छोड़ने के लिए आने की कोई जरूरत नहीं है, वरना फिर से कोई बड़ी खबर बन जाएगी। सर, अच्छी चीजों को एक ना एक दिन खत्म होना ही होता है। मैं और मेरी बीवी अब बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन तुम अभी भी जवान हो और तुम में अभी भी बहुत दम है। मुझे यूएस में रहकर भी तुम्हारी फिल्म के रिलीज होने का इंतजार रहेगा। और फिर अपना सामान पैक करने के बाद जोन्स ने अपने सूटकेस को एक तरफ रखा और टीना के दोनों बेटों की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे ये दोनों बेटे बहुत ही स्पेशल हैं। उसे डर था कि कहीं मीडिया जोन्स और उनकी पत्नी को परेशान न करे, इसीलिए उसने उनके लॉट एजेंसी में ही रहने का इंतजाम किया था। और जैसे ही वो दोनों वहां पहुंचे तो वो दोनों इस बात से बहुत खुश थे कि उन्हें टीना के तीनों बच्चों से मिलने का मौका मिल रहा था। जोन्स अब उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुका था जहां उसे अपने पोते पोतियों के साथ खेलने में बड़ा मजा आता था, इसीलिए जब भी वो छोटे बच्चों को देखता था तो उसका रवैया अपने आप बहुत ही प्यार भरा और केयरिंग हो जाता था। इनके पापा और मैं काफी दिनों से सोच रहे हैं कि एक बार इन बच्चों का टेस्ट करवा लें कि ये बाकी बच्चों से अलग क्यों हैं। उन टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद मुझे भी बताना उनके बारे में, जोन्स ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा। और फिर अगले दिन सुबह जोन्स ने जैसा कहा था वो जाने के लिए जिद करने लगा, और फिर टीना उन्हें जाने से मना नहीं कर पाई, लेकिन वो कम से कम उन्हें एयरपोर्ट तक तो छोड़ने जाना चाहती थी। लेकिन जोन्स ने उसकी ये बात भी मानने से इनकार कर दिया और कहा, हम दोनों बहुत ही सिंपल लोग हैं, इसलिए हमारे साथ कोई स्पेशल बर्ताव करने की जरूरत नहीं है। जब उन दोनों ने ये कह दिया तो टीना कर भी क्या सकती थी, बस उसने उनके जाने के लिए कार का इंतजाम कर दिया। लेकिन हाँ, उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जोन्स ने उसके लिए एक बहुत बड़े तोहफे की तैयारी कर ली थी। शायद उसने ये सब जानबूझ कर किया था, इसलिए जैसे ही बिना भेस बदले जोन्स एयरपोर्ट पहुंचा तो बहुत सारे फैंस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। और हाँ, मुंबई में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें अच्छी अंग्रेजी बोलनी आती थी, इसलिए उन्होंने जोन्स से बात करने की भी कोशिश की। हाय जोन्स, हमें आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। जोन्स बहुत ही अच्छे इंसान है, इसलिए उनसे जिसने भी बात की उन्होंने उसकी बात सुनी भी और उसका जवाब भी दिया। जल्दी ही रिपोर्टर्स ने जैसे ही जोन्स को देखा तो उसे चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन जोन्स आज उतनी नाराज नहीं नजर आ रहे थे, इसलिए उन्होंने बड़े आराम से कहा, मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आज अगर आप उस दिन की तरह व्यवहार ना करें तो मैं आपको अपना एक इंटरव्यू लेने का मौका दे सकता हूँ। बिल्कुल, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हाँ, हम भी ऐसा नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ कि आप लोग मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। आप लोग मुझसे पूछना चाहते हैं कि टीना मेरे साथ यहाँ एयरपोर्ट क्यों नहीं आई है, है ना? जोन्स ने रिपोर्टर्स की तरफ देखकर कहा। तो उसका जवाब ये है कि मैंने ही उसे यहाँ आने से मना किया था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पहले ही मेरी वजह से उसे बहुत परेशानी हुई है। तो मिस्टर जोन्स, आपकी नजर में टीना जी कैसी इंसान है? एक रिपोर्टर ने पूछा। वो बहुत ही जिद्दी और सोच समझकर चलने वालों में से है। ये बहुत अजीब बात है कि मैंने उसके बारे में कई आर्टिकल पढ़े हैं, लेकिन आप लोगों ने कभी उसके बारे में वो चीजें नहीं लिखी हैं जो मैं उसके बारे में जानता हूँ।
देखने में लगता है वो बहुत ही टफ है, लेकिन असल में वो बहुत ही नरम दिल और सच्ची इंसान है। वो बाहर से बड़ी सख्त दिल की लगती है, पर अंदर से उतनी ही जिंदा दिल है। इसलिए मुझे समझ नहीं आता है कि आप लोग उसे हर वक्त बदनाम क्यों करते रहते हैं। जोन्स ने बड़े आराम से कहा, मिस्टर जोन्स, मुझे आपकी फिल्में बहुत पसंद हैं और मुझे आपकी आने वाली फिल्म का इंतजार है। आने वाली फिल्म? पर माफ कीजिएगा मैडम, मुझे अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, जोन्स ने अफसोस जताते हुए कहा। लेकिन अगर आप लोग फिर भी अच्छी फिल्में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर है कोई जो आपकी इच्छा पूरी कर सकता है। कौन है वो सर, हमें बताइए उनका नाम। जोन्स ने अपनी बीवी का हाथ पकड़कर रिपोर्टर्स के सवाल का जवाब देना शुरू किया। मेरी स्टूडेंट टीना है वो, और मुझे लगता है आप लोग अपनी भाषा में उसे शिष्य कहते होंगे। शिष्य? हाँ, मेरी शिष्य। क्या आप लोगों को इसका मतलब पता है, फाइनल स्टूडेंट? वो मेरी फाइनल और इकलौती स्टूडेंट है। वैसे तो मैंने फिल्में बनाना बंद कर दिया है, पर वो मेहनत जरूर करेगी। हे भगवान, ये सुनकर रिपोर्टर्स के तो जैसे होश ही उड़ गए। ये उन्होंने कैसे खबर सुन ली? तो अब समझ में आया कि जोन्स मुंबई में क्यों दिखाई दिए, क्योंकि वो उनकी स्टूडेंट है, वो भी इकलौती स्टूडेंट, और ये बात खुद जोन्स ने कही है। तो असल में वो एक्शन फिल्मों के बाप की स्टूडेंट बन गई है। टीना ने ये क्या कर दिया? सच में वो क्या कर सकती है, इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। इसलिए अगर आप लोग अच्छी फिल्म देखना चाहते हो तो आपको उसे परेशान करना बंद करना होगा। क्या आप लोग मुझसे ये वादा कर सकते हैं कि आज के बाद आप उसे परेशान नहीं करेंगे? शायद जोन्स की सही रिक्वेस्ट की वजह से रिपोर्टर्स उसके पीछे खड़े होकर धीरे से अपना सिर हिलाते हुए हाँ कह रहे थे। और फिर जोन्स ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए देखा, जैसे किसी बाप ने अपनी प्यारी सी बेटी को बचा लिया हो। और रिपोर्टर्स के साथ उसकी इस बातचीत से साफ नजर आ रहा था कि उसका और टीना का रिश्ता काफी करीबी रिश्ता है। आखिर इस दुनिया में एक टीना ही तो है जिसे इस दुनिया के इतने जाने माने डायरेक्टर ने अपना स्टूडेंट माना है। वो तो बहुत ही घटिया है। हो सकता है वो किसी बड़े कलाकार के खानदान से ना हो, लेकिन वो अपनी समझदारी से जरूर एक अच्छी फिल्म बनाएगी, मेरा विश्वास कीजिए। ये बोलकर जोन्स रिपोर्टर्स की तरफ ठीक है का इशारा करते हुए सिक्योरिटी के साथ आगे बढ़ गए। ये आदमी सच में बहुत ही प्यारा है। और फिर जोन्स की वहां जाने के बाद रिपोर्टर्स ने लंबी सांस लेते हुए कहा, तो टीना असल में जोन्स की स्टूडेंट बन गई है। जब सब उसे गालियां दे रहे थे, उसके बारे में न जाने क्या क्या बातें बना रहे थे, तो वो उस समय एक्शन फिल्म बना रही थी। जब राजीव जी थे तो वो ऐसी फिल्म बनाने का एक्सपेरिमेंट कर रही थी, और इतना सब कुछ होने के बाद तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि फिर भी उसने हार नहीं मानी। इस बार तो सच में मान गया मैं उसे। टीना सच में बहुत लकी है कि दुनिया की इतनी बड़ी हस्ती ने उसके बारे में ऐसा बोला है। मुझे तो लगता है जोन्स के सपोर्ट के साथ इंडस्ट्री में वापसी करके एक बड़ी फिल्म बनाना टीना के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। चलो देखते हैं अब मोनिका उसे कैसे टक्कर देती है। एक है जो हमेशा एक असली डील करती है, और दूसरी है जो उसकी घटिया हम शक्ल है। तुम एक कॉपी से क्या उम्मीद कर सकते हो? उस दिन के उस इंटरव्यू के वीडियो के ऑनलाइन पर रिलीज होने के बाद जो रिपोर्टर्स के बीच बातचीत हो रही थी, वही बात लोगों के दिमाग में भी चल रही थी। वैसे तो ये सब टीना के लिए नॉर्मल बात थी, लेकिन इसने इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। इस बात से अगर मोनिका उसे हर दिन कॉपी करने की भी कोशिश करे तो भी उसके लिए उस तक पहुंचना नामुमकिन है। खासकर अब जब इस फील्ड के इतने बड़े मास्टर ने उसे अपना स्टूडेंट कह दिया है। सिर्फ इस रिश्ते के आधार पर ही रिपोर्टर्स के पास टीना के प्रति रहम दिल होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और उधर इतने टाइम तक मीडिया के खिलाफ होने के बावजूद उसने जोन्स से सीख लिया था कि इस लड़ाई में कोई नहीं जीत सकता। जब रिपोर्टर्स ने अमेरिकन हेडलाइंस में अपने आप को देखा तो उन्हें मुंह के बल गिरने का एहसास हुआ, और उधर टीना को लग रहा था कि मीडिया के साथ बहस करने से अच्छा होगा अपनी फिल्म को बेहतर बनाने पर ध्यान देना। इन सब के अलावा अब जब उसे जोन्स ने अपना स्टूडेंट कह दिया है और उसके सपोर्ट की वजह से उसकी वैल्यू को तो बदलना ही था, और जो लोग उसकी इस कहानी को पढ़ रहे थे वो भी अब काफी खुश थे। और अब जब मोनिका उसे परेशान कर रही थी तो उन लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हें परेशान कर रही हो। तो अब जब टीना ने बाजी पलट दी है और मोनिका को जोरदार तमाचा मारा है, उनमें से बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे उनके मन को बहुत खुशी मिली है।
और हाँ, टीना को इस बारे में अंदाजा भी नहीं था कि जोन्स ने क्या किया है, बल्कि उसने तो सोच लिया था कि वो अपने इस रिश्ते की सच्चाई कभी किसी के सामने लाएगी ही नहीं। क्या तुम खुश नहीं हो कि मिस्टर जोन्स ने तुम्हें इतना बड़ा तोहफा दिया है? तुम्हें ये तो पता ही होगा कि ये बात तुम्हारी बजाय उनके कहने से इसका असर कुछ और ही होगा। रितिका ने काम पर वापस आते ही सबसे पहले टीना के सीरियस चेहरे की तरफ देखकर यही बात पूछी। लेकिन हाँ, टीना की चिंता भी जायज थी, क्योंकि जोन्स की स्टूडेंट बनना बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन इसका मतलब यह है कि अब लोगों को तुमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें हो जाएंगी। अब इसी बात का प्रेशर है मुझ पर। हाँ, ये तो सच है, अगर तुमने उनका स्टूडेंट होते हुए भी कुछ अच्छा नहीं बनाया तो फिर तुम्हें बहुत कुछ सुनना पड़ जाएगा, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। रितिका को टीना पर भरोसा था। देखो, तुमने कैसे चीटियों की रानी की प्रोडक्शन टीम को अमेरिका और मुंबई के बीच कैसे इधर उधर भगाया। मुझे यकीन है इस फिल्म के फैंस तुम्हें पहचान ही गए होंगे। उस फिल्म का प्रोडक्शन तो शुरू हो ही गया है और बहुत जल्द सब इसे देख भी पाएंगे। और अब जब मिस्टर जोन्स यहाँ से चले गए हैं, तो मुझे लगता है अब सुपरस्टार मीडिया के उस मामले को निपटाने का वक्त आ गया है। लेकिन उससे भी पहले मुझे और रणविजय को सौम्य को डॉक्टर के पास टेस्ट करवाने के लिए लेकर जाना है। सब लोग देख सकते हैं कि उस बदमाश में कुछ तो अलग बात है। रितिका ने सौम्य, जो कि उस समय सोफे पर बैठा हुआ था, उसकी तरफ देखते हुए कहा। बदकिस्मती से घर वापस जाने के बाद रितिका को घर पर एक मुसीबत का सामना करना पड़ा। वैसे तो उसकी सासू माँ एक बार ही घर आई थी और रितिका ने कहा था कि वो इस बात को दिल पर नहीं लेगी, लेकिन उनके बारे में सोचकर ही वो परेशान हो जाती थी। रौनित कह रहा था कि उसे सही वक्त का इंतजार है, लेकिन न जाने क्यों उसे उस वक्त के आने की बहुत जल्दी थी, वरना कुछ वक्त में उसे घर लौटना भी अच्छा नहीं लगेगा और वो कभी लौटना ही नहीं चाहेगी, क्योंकि उसे हमेशा यही चिंता लगी रहती है कि कहीं उसकी सासू माँ फिर से ना आ जाए। जबकि रौनित ने जिस चेकअप के बारे में कहा था, उसकी रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई थी। उस दौरान टीना के मिस्टर जोन्स के स्टूडेंट होने की खबर पूरे मुंबई में फैल चुकी थी। ऑडियंस ये मान चुकी थी कि अब टीना फिल्म डायरेक्शन की फील्ड में कोई ना कोई मुकाम जरूर हासिल करेगी। वैसे तो वो पहले ही उसका एक्शन फिल्म बनाने के ऊपर मजाक उड़ा चुके थे और अब तो वो एक्शन फिल्मों के बाप की स्टूडेंट बन चुकी है। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि उसे इसके अंजाम के बारे में पता होना चाहिए और अब तो उसे और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? ऐसा लगता है उसे सच में चैलेंजेस लेना बहुत अच्छा लगता है, खासकर किसी को मुंह तोड़ जवाब देना। इस बार की टीना की कब्र ने तो मोनिका के लिए उस तक पहुंचना नामुमकिन ही कर दिया। फिर चाहे वो रॉकेट की रफ्तार से ही उस तक जाने की कोशिश क्यों ना करे, फिर भी वो उस तक नहीं पहुंच पाएगी। आखिर उसे फिल्म और टीवी जगत के बारे में कुछ भी तो नहीं पता था। हालांकि उसने ये सब सीखने की काफी कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई और उसमें ये हुनर ही नहीं था। टीना के जैसा कोई भी नहीं हो सकता। इसी वजह से लोगों ने टीना और मोनिका के बीच एक रेखा खींच ही दी और इसी वजह से मोनिका को बहुत कुछ भला बुरा सुनना पड़ा और उसे काफी नुकसान भी हुआ। इस समय उसके साथ जो कुछ भी हुआ, उसकी वजह से उसका आत्मविश्वास भी डगमगाने लगा और वो बहुत डिप्रेस हो गई। उसकी मैनेजर ने उसके पास खड़े होकर उसे तसल्ली देते हुए कहा, मोनिका, इससे अपने आप को ज्यादा परेशान मत करो। हमारा मेन मकसद अगली मौके को हासिल करने का होना चाहिए, जिससे हम फिर से कोई शोर मचा सके। मैं टीना के शरीर पर निर्भर हूँ। अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो। तुम्हारी एजेंसी तुम्हें कल एक इंटरनेशनल स्किन केयर ब्रांड के ऑडिशन में हिस्सा लेने के लिए ले जाने वाली है। हालांकि टीना किसी दूसरे लेवल पर जा चुकी है, पर तुम भी कुछ कम नहीं हो, मोनिका के मैनेजर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। चलो अच्छा, अब सोचना बंद करो और थोड़ा आराम कर लो। मोनिका ने कई बार टीना के ऊपर दावा बोला, लेकिन टीना ने कभी इस बात की परवाह ही नहीं की और अब तो मोनिका इसका कर भी क्या सकती है। और टीना तो अब जोन्स की स्टूडेंट भी है। वो उनमें से नहीं जिसकी बराबरी हर कोई कर ले। इसी वजह से मोनिका ने मानव को फोन किया और कहा, अगर तुम्हारा मूड अच्छा नहीं है तो क्यों ना हम एक एक ड्रिंक कर ले। टीना की वजह से, मानव ने तुरंत उससे पूछा। मैंने सुना है कि किस तरह से एक एक सीढ़ी चढ़कर वो टॉप पर पहुंच गई है, इसलिए अब बस वक्त आने ही वाला है तुम्हें मुंह तोड़ जवाब मिलने का। इस तरह की वाहियात बातें करना बंद करो, तुम्हारा अंत नहीं होने वाला है, मोनिका ने लंबी सांस लेते हुए कहा। क्योंकि तुमने हमेशा से टीना को अपना दुश्मन माना है, इसलिए कि अपने दुश्मन को आगे बढ़ते हुए देखकर तुम्हें तकलीफ नहीं होती? तकलीफ? हाँ बिल्कुल, मुझे भी होती है तकलीफ तो, लेकिन मैं चुपचाप बैठने वालों में से नहीं हूं जो हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाए।
मानव ने अपनी कॉमिक पर काम करते हुए मोनिका का मजाक उड़ाते हुए कहा। ये कितनी दुख की बात है ना। तो टीना क्या सच में एक एक्शन फिल्म बनाना चाहती है? मानव को एक्शन सीन्स का काफी एक्सपीरियंस था। अगर टीना उस फील्ड में कुछ कर सकती है तो ऐसा क्या है जो मानव नहीं कर सकता। उस दौरान सुपरस्टार मीडिया का मामला अभी भी बीच में लटका हुआ था, लेकिन सबसे दुख की बात ये थी कि उसे टीना ने बनाया था, जिसे इतनी आसानी से उसने गंवा दिया था। इसलिए मानव की नजरों में वो बहुत ही झूठी इंसान थी। दुनिया चाहे उसके बारे में कुछ भी कहे, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो उसे नकाबपोश ही मानता है और उसके लिए यही काफी है। जबकि मोनिका एक छोटी सी बात से ही काफी परेशान थी, क्योंकि उसकी किस्मत टीना से जुड़ी थी और जिस पर उसका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। और उसके लिए दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि उसे किसी भी तरह वो स्किन केयर का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना ही था, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि अगले दिन ऑडिशन में उसकी कितनी बेइज्जती होने वाली है। अगले दिन सुबह टीना ने जैसे कि पहले ही वादा किया था कि मुंबई वापस आने के बाद सबसे पहले वो रणविजय के साथ सौम्य को डॉक्टर के पास ले जाएगी। वो छोटा सा बदमाश बड़ा ही होशियार था, लेकिन उसने कभी दूसरे बच्चों की तरह बड़ों से बात करने की कोशिश ही नहीं की थी, इसलिए वो उसका टेस्ट करवाने जा रहे थे। कम से कम अगर उसका ये अजीब व्यवहार किसी बीमारी की वजह से हुआ तो वो उसका जल्दी से इलाज करवा सकेंगे। इसके लिए रितिका ने एक स्पेशलिस्ट से बात की और उससे बात कर ली कि टीना और रणविजय के वहां जाने के बाद किसी को पता ना चले और किसी ने सोचा भी नहीं था कि उस छोटे से बदमाश को इस बात का कोई डर नहीं था, जबकि वो इससे पहले बहुत कम टाइम घर से बाहर निकला था। आखिर में रणविजय अपनी बेटी को लेकर आगे तेज चल रहा था और टीना उसके पीछे पीछे, और वो दोनों चुपचाप उस हॉस्पिटल के बच्चों के वार्ड की तरफ चले गए। और फिर जब डॉक्टर ने उन दोनों को आते हुए देखा तो वो मुस्कुराते हुए उनके पास गए और सौम्य को उनके हाथों से ले लिया और कहा, मैंने सुना रितिका जी से इस बदमाश के बारे में। ये सच में बाकी के बच्चों से काफी अलग है, यहाँ तक कि अपने भाई से भी। आप चिंता मत कीजिए मिस्टर एंड मिसेस रावत, मैं इसके इस टेस्ट के दौरान इसका पूरा ख्याल रखूंगी, आप इस बात से निश्चिंत हो जाइए। रणविजय ने टीना के कंधे पर हाथ रखा और सिर हिलाते हुए इशारा किया, ठीक है। इसके बाद वो दोनों रितिका के साथ वेटिंग रूम में चले गए। उसके टेस्ट में लगभग पूरा एक घंटा लग गया। उसके बाद डॉक्टर सौम्य को लेकर बाहर आई और उसने उसी रणविजय को पकड़ा दिया। तब तक उसे नींद आ चुकी थी। डॉक्टर क्या रिपोर्ट रही? आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये छोटा सा बदमाश बिल्कुल ठीक है, आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत है ही नहीं। लेकिन ना तो ये ज्यादा रोता है, ना फुसफुसाता है और ना ही कुछ बोलता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जब उसे खुद को लगेगा कि उसे कुछ कहना चाहिए तो वो खुद ही बोलने लगेगा। हो सकता है आप दोनों ने किसी जीनियस को जन्म दिया हो। आज के बाद जितना हो सके इस पर नजर रखनी होगी कि आपकी रोजाना की कौन कौन सी बातों में दिलचस्पी लेता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्मार्ट बच्चे होते हैं उन्हें अकेले रहना ही अच्छा लगता है। टीना रणविजय की तरफ देखकर अपने बेटे के सिर को थपथपाने लगी, फिर उसने सिर हिलाते हुए डॉक्टर की तरफ देखकर कहा, हम इस बात का आपसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद वो दोनों उस बदमाश को लेकर घर चले गए। घर आने के बाद टीना ने देखा कि रणविजय थोड़ा परेशान लग रहा था। ये देखकर टीना ने कहा, अगर वो ज्यादा ही स्मार्ट निकला और हम उसे संभाल नहीं सके तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, रणविजय ने अपनी बीवी की तरफ देखते हुए सीरियसली कहा, अगर वो बिल्कुल ठीक है तो आज से मैं उसका इंचार्ज हूँ और मैं उसे सिखाऊंगा सब कुछ, ठीक है? पहले तो टीना सौम्य को हॉस्पिटल ले गई, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि वो ठीक है या नहीं। बाकी उसे किसी और चीज की कोई चिंता ही नहीं थी, इसलिए वो चाहे कैसा भी हो, आखिर है तो उसका और रणविजय का प्यारा बेटा है और ये सच कभी नहीं बदल सकता। इसीलिए टीना ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि वो खुश और दिल से अच्छा बने, बाकी तो वो अपनी जिंदगी में क्या मुकाम हासिल करता है ये सब तो उस पर डिपेंड करता है। तुम चिंता मत करो, ठीक है? रणविजय ने एक हाथ में अपने बेटे को उठाया और दूसरा हाथ टीना के बालों में फेरते हुए कहा। लेकिन वो दोनों चाहे आराम से जा रहे हो, लेकिन वहां से गुजरने वाले एक इंसान ने उन्हें देखकर पहचान लिया और उनकी फोटो खींचकर ऑनलाइन पर डाल दी, जिसे देखकर ऑनलाइन फैंस कहने लगे कि टीना और मोनिका के बीच चल रहे इस तनाव भरे माहौल के दौरान भी रणविजय अपनी बीवी को लेकर बाहर घूम रहा है। फोटो में किसी एक्सपर्ट की तरह रणविजय ने अपने बेटे को एक हाथ में पकड़ रखा था, जबकि उसके दूसरे कंधे पर टीना झुकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो तीनों बड़े खुश लग रहे थे।
डैडी रणविजय बड़े कूल हैं। इस इंडस्ट्री के बिग बॉस अपनी बीवी और बेटी से बहुत प्यार करते हैं। कितने प्यारे हैं ना ये। उस फोटो को देखकर कुछ लोग कहने लगे कि टीना एक अच्छी माँ बनने का नाटक करके दिखा रही है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे फैंस ने उनके इस कमेंट्स पर उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया, ये कहकर कि वो तो सिर्फ अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जा रही थी। और कुछ लोग इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं, बच्चे तो अक्सर बीमार होते ही रहते हैं। ये मत भूलो कि टीना की टीचर कौन है, उसे कुछ भी दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी खबर से किसी को क्या परेशानी हो सकती है, जरूर ये माँ के प्यारे होंगे। क्या किसी ने ये देखा कि उसका बेटा कितना प्यारा है। उस फोटो में सौम्य रणविजय के कंधे पर सो रहा था, इसीलिए उसका चेहरा बड़ा मासूम और प्यारा लग रहा था। सच में वो देखने में बड़ा प्यारा लग रहा था। इसके जवाब में फैंस ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो तो देखना ही है, आखिर वो बेटा किसका है। मैं सच में उस प्यारे से बच्चे को देखना चाहता हूँ। जब ऑनलाइन पर ये डिस्कशन चल रहा था, तब टीना के घर का माहौल बड़ा ही खुशनुमा था, क्योंकि पहली बार पब्लिक की नजरों में आते ही सौम्य ने कई लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। तभी अपनी एजेंसी की मदद से मोनिका उस इंटरनेशनल स्किन केयर ब्रांड के बॉस से मिलने में कामयाब हो गई, जिसे उसे अपना ऑडिशन देना था। लेकिन थोड़ी देर बातचीत करने के बाद एक आदमी ने मोनिका को ऊपर से लेकर नीचे तक एक अजीब सी नजरों से देखा, पर उसे देखकर ये समझना मुश्किल था कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। इसके बाद मोनिका की एजेंसी ने अपने कंफ्यूजन के बारे में बताया। क्या उन्होंने बेवजह ही इतनी मेहनत ऐसे क्लाइंट पर की जिनका पता ही नहीं कि वो क्या करेंगे। लेकिन एजेंसी के पीआर ने इस रिसोर्सेस के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा दिया था। मिस्टर दास, आपको पता होना चाहिए कि हमारी मोनिका जी इस समय मुंबई में काफी पॉपुलर है, आपको इसके अलावा और क्या चाहिए। मिस्टर दास ने सिर ऊपर करके मोनिका की तरफ देखा, फिर उसने हंसते हुए जवाब दिया, सच कहूं तो इस काम के लिए बहुत सारी एजेंसियों ने मुझे कांटेक्ट किया है। मैं ये भी जानता हूं कि आपकी एजेंसी हमारे साथ काम करने के लिए बहुत उत्साहित है, लेकिन मुझे माफ कीजिएगा, हमारी सबसे पहली पसंद टीना जी ही रहेंगी और वो हमें पहले मना कर चुके हैं। लेकिन फिर भी हम किसी प्लास्टिक सर्जरी कराने वाले आर्टिस्ट के साथ काम करने के अलावा किसी और आर्टिस्ट को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह से हमारी इमेज खराब हो सकती है, उस आदमी ने सीधे सीधे कह दिया। और दूसरी बात यह है कि अगर नाम की बात करें तो आपकी एजेंसी के आर्टिस्ट टीना से बहुत दूर है, हम किसी ऐसे चेहरे को कैसे ले सकते हैं जिसे इंटरनेशनल स्टेज पर कोई जानता ही नहीं है। हमारे लिए पैसे और दिलचस्पी मायने नहीं रखता है, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, हम सच में एक ऐसा स्पोक्स पर्सन सिलेक्ट करना चाहते हैं जो हमारे स्टाइल पर सूट करे। और हमें स्टेटस के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि स्टेटस तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, समझे। और आपके आर्टिस्ट का तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप हमारी तरफ से रिश्वत लेकर हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं कि बदले में आप हमारे लिए कुछ ना करें। ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट और एजेंसियां हैं जो हमारी ब्रांड को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी मोनिका और उसकी एजेंसी की तरह ऐसे सबके सामने खुलकर बात नहीं की थी। तो जाइए, जाकर ऐसे लोगों को ढूंढिए जो आपकी रिश्वत को एक्सेप्ट कर लें, इन्हें बाहर भेजिए यहां से। तुम एक बार अपने आप को ठीक से देख क्यों नहीं लेती हो, किसी की झूठी कॉपी होने के नाते तुम्हें अपने बारे में पता होना चाहिए। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम असली हो। असली टीना की बात ही कुछ और है, उसमें इतने बड़े इंटरनेशनल ब्रांड को मुंह पर मना करने की काबिलियत है, जबकि वो खुद उसके साथ काम करने का सपना देखते हैं। आखिर एक वही तो मुंबई की ऐसी आर्टिस्ट है जिसने इंटरनेशनल स्टेज पर काफी अच्छा मुकाम हासिल करके नाम कमाया है, जिसका नाम है टीना। और अब तो वो डायरेक्टर जोन्स की स्टूडेंट भी बन गई है, जिन्हें एक्शन फिल्मों का बाप कहा जाता है। और एक वही आर्टिस्ट किसी भी इंटरनेशनल स्किन केयर ब्रांड को रिप्रेजेंट करने के लायक है। मोनिका फिर भी उस रोल के लिए लड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन उसके मैनेजर ने उसे रोकते हुए कहा, चलो चले यहां से। क्या हम जा रहे हैं, हम अपने बॉस से क्या कहेंगे, आर्टिस्ट डायरेक्टर ने पूछा। मोनिका, तुम्हें थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए थी, एजेंसी के लिए तुम्हें यहां तक लाना आसान नहीं था, और तुम हो कि एक कॉन्ट्रैक्ट भी हासिल नहीं कर पाई। अगर इसके बारे में खबर बाहर आ गई तो हम क्या करेंगे। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो चुप रहो, मोनिका ये कहकर बिना चश्मा लगाए सीधे लिफ्ट की तरफ भाग गई। तभी वहां के स्टाफ ने मोनिका का उतरा हुआ चेहरा देख लिया और कहा, टीना, क्या आप टीना हो, क्या आप मुझे एक ऑटोग्राफ दे सकती हैं।
स्टाफ की एक लड़की जिसने अपनी आंखों पर काला चश्मा पहना हुआ था, उसने अपनी नोटबुक मोनिका की तरफ बढ़ाते हुए कहा। लेकिन उसके पास खड़े आदमी ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ये टीना नहीं है, ये तो उसकी हमशक्ल है। ये सुनकर उस लड़की ने अपने चश्मे को ठीक किया और मोनिका की तरफ ध्यान से देखा और कुछ ही पल में उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा, मुझे तो लगता था कि अगर उसे कितने बड़े ब्रांड के ऑडिशन के लिए बुलाया गया है तो जरूर टीना ही होगी। उसने धीरे से कहा, तो फिर ये यहाँ क्यों आई है? ये औरत जरूर टीना की फैन होगी, इसीलिए उसे मोनिका बुरी लग रही थी। अब जब उसे खुद उसे देखने का मौका मिला तो उसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, इस दुनिया में कर्मों का फल तो हर किसी को अपने अगले जन्म में देना ही पड़ता है। जब कोई किसी और को कुचल कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो मुझे लगता है उसे एक ना एक दिन उसके किए की सजा मिलती ही है। मोनिका को उसकी बातें सुनकर इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी मुट्ठी बांध ली। अगर वहां ज्यादा लोग नहीं होते तो वो उस लड़की का मुंह ही तोड़ देती। बदकिस्मती से उस समय सबकी नजरें उस पर ही थी। अगर तुम सच में टीना की मदद करना चाहती हो तो तुम्हें इस औरत के मुंह नहीं लगना चाहिए। इस पर गुस्सा दिखाने का मतलब है अपना ही टाइम बर्बाद करना, स्टाफ के किसी और मेंबर ने हंसते हुए कहा। लेकिन ये बात मोनिका के जाने के बाद उसने कही, लेकिन मोनिका के कानों तक ये बात पहुंच ही गई। और ये बात सुनने के बाद तो मोनिका उस बिल्डिंग से तमतमाती हुई बाहर निकली और जो भी उसके रास्ते में आ रहा था वो उसके ऊपर चिल्ला रही थी। क्या वो पूरी जिंदगी इसी तरह टीना की परछाई बनकर जीने का सोच रही थी? शायद उसके आर्टिस्ट मैनेजर ने उसके बारे में जो कहा उसे देखकर मोनिका के मैनेजर के पास मानव को फोन करने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि मोनिका तो अब उसके कंट्रोल में रही नहीं थी। वैसे तो मानव इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, खासकर ऐसे सेंसिटिव माहौल में, पर वो मोनिका को हमदर्दी देने के अलावा और कुछ कर भी तो नहीं सकता था। उन दोनों को ही टीना ने तकलीफ दी थी, अगर उसकी मदद मानव नहीं करता तो कोई और उसकी मदद कर ही नहीं सकता था। लेकिन उन दोनों में से कोई भी समझ नहीं पा रहा था। एक तरफ मानव था जो अपने आप से ही झूठ बोल रहा था क्योंकि वो उससे प्यार का सपना देख रहा था, इसलिए तकलीफ में था। वो अपनी हार को स्वीकार करने के लिए उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। और दूसरी तरफ मोनिका थी जो प्लास्टिक सर्जरी के जरिए टीना की शक्ल लेकर उसके जितना नाम कमाना चाहती थी ताकि उसकी शोहरत और कंपनी भी हासिल कर सके। पर उन्हें खुद की गलती नजर नहीं आ रही थी, बल्कि उनके रास्ते में आने वाले लोगों पर ही वो इल्जाम लगाते जा रहे थे। आखिरी में मानव को मोनिका एक बार में मिली और फिर वो उसे वहां से अपने घर ले गया। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कभी टीना के इस अभिशाप से बच पाऊंगी। पहले अपने आप को संभालो जरा, मानव ने मोनिका के सिर पर गीला टावल रखते हुए कहा। हमारी जो भी प्रॉब्लम है उसका इल्जाम हमें बस टीना पर लगाना है और सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरी इस बात पर विश्वास कौन करेगा, मोनिका ने सिर पकड़कर रोते हुए कहा। मैंने उसकी तरह दिखने के लिए अपना चेहरा भी बदल लिया, अभी मैं और क्या करूं? मानव, मैं सच में अब बहुत थक चुकी हूं। अभी तुम थोड़ा आराम करो, कल मैं तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए जरूर कुछ ना कुछ करूंगा। तुम क्या करने वाले हो? तुम चिंता मत करो, मानव ने उस पर ब्लैंकेट डाला और अपना लैपटॉप उठाया और फिर वो अपनी ही दुनिया में खो गया। यानी उसके बाद उसने ऑनलाइन पर लिखना शुरू किया। उसकी बातें बहुत ही सिंपल थीं लेकिन कड़वी थीं। टीना, तुम मोनिका को और कितना नीचे गिराओगी? क्या फिर से किसी की मरने के बाद ही तुम रुकोगी? तुम पहले बहुत कुछ कर चुकी हो, अब तो ये बेरहमी बंद करो। जैसे ये कमेंट उसने पोस्ट किया तो उसे देखने वाले सभी लोग, जिनमें टीना भी शामिल थी, सब हैरान हो गए कि टीना ने कुछ किया भी नहीं पर फिर भी उसे बेरहम कहा जा रहा है। इस बार टीना के फैंस अपना गुस्सा दबाकर नहीं बैठ सकते थे, इसीलिए उन्होंने आगे बढ़कर उसके लिए लड़ना शुरू कर दिया, ये कहकर कि मेरी टीना जी छोटे रावत साहब को कल सुबह सिर्फ हॉस्पिटल ही तो लेकर गई, उसके बाद तो वो पूरा दिन अपने घर पर ही थी। क्या आपको ऐसी बकवास बातें करते हुए डर भी नहीं लगता मानव? मिस्टर मानव, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि टीना जी ने मोनिका पर प्रेशर डाला है तो उसके लिए आपको हमें कोई सबूत दिखाने होंगे। दूसरी बात, आपने ही तो कहा था कि आप और मोनिका एक दूसरे को जानते नहीं है, उसका क्या हुआ? या फिर सिर्फ इसलिए कि मोनिका ने जानबूझकर टीना जी जैसा दिखने के लिए उनकी शक्ल ले ली, तो क्या इसका मतलब यह है कि हर बार जब भी वो परेशान है तो उसमें हमारी टीना जी की गलती होगी? पर माफ कीजिएगा, हमारी टीना जी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है। घटिया लोगों को भगवान आखिर में उन्हें उनके कर्मों की सजा तो देते ही हैं।
इसके बावजूद मानव बार बार मोनिका की ऐसी इमेज बनाने की कोशिश कर रहा था जैसे टीना ने ही उसे परेशान करके रखा है, और जब भी वो ऐसा सोचती कि अब सब ठीक चल रहा है, तभी वो उसे बार बार यही याद दिला रहा था कि उसे भी इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। पर हाँ, जो लोग समझदार हैं वो तो ये जानते ही थे कि वो बेवजह का शोर मचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो पहले ये बात मान चुका था कि उसने ही सुपरस्टार मीडिया मोनिका को दिया था ताकि वो टीना के नाम का फायदा उठा सके। लेकिन वो मोनिका को लोगों की नजर में विक्टिम की तरह पेश करने की कोशिश पहले ही कर चुका था। जब भी मोनिका के साथ कुछ होता तो वो रोकर उसे ऑनलाइन पर डाल देती और जिसकी वजह से लोग शोर मचाने लगते। जब मोनिका उठी तो उसने मानव को टीना के फैंस के साथ बहस करते हुए देखा और उसने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैं तुम्हारे लिए तो ये कर रहा हूँ, मानव ने हंसते हुए कहा। जब भी तुम्हें तकलीफ होगी टीना को भी उतनी ही तकलीफ होनी चाहिए, लेकिन उसे तकलीफ में होने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा। किसने कहा कि इसमें कोई फायदा नहीं है? कई बार जब हम कोई बात बार बार कहते हैं तो वो सच बन जाती है। अभी तुम सिर्फ उसकी हमशक्ल हो, इसीलिए तुम्हारे लिए उसकी इमेज को खराब करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम इस बात को दूसरे नजरिए से देखें तो वो ये है कि तुम टीना को कभी कोई परेशानी नहीं दे सकती हो। इसका मतलब यह है कि टीना तुम्हें आसानी से परेशान कर सकती है, इसीलिए तुम्हारी सिचुएशन तभी ठीक हो सकती है जब तुम एक विक्टिम की तरह बनी रहो। मानव की बात सुनकर मोनिका को हंसी आ गई और उसने हंसते हुए कहा, तुम इस हद तक चले गए हो पर टीना पर इसका कोई असर नहीं हुआ है। सच में उसमें बर्दाश्त करने की बहुत हिम्मत है। पर टीना ने अभी तक कोई जवाब क्यों नहीं दिया? अगर मोनिका ने अपने आप से झूठ नहीं बोला होता तो उसे इसकी वजह अपने आप समझ में आ जाती। और सच तो ये था कि टीना के पास उस घटिया हमशक्ल को जवाब देने की वजह नहीं थी, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। जबकि मानव का कहना था कि वो टीना को अच्छे से जान चुका है कि उसके अंदर सिर्फ कमाल की बर्दाश्त करने की हिम्मत ही नहीं है, बल्कि वो बहुत ही कमाल की चालबाज भी है। बस तुम देखते जाओ वो आगे आगे क्या चाल चलती है। तुम्हें इसका पूरा ध्यान रखना होगा, मैं हर बार इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ, मोनिका ने चिल्लाकर कहा। पूरी रात छुपने के बाद अब वक्त आ गया है असलियत का सामना करने का। और दूसरी बात, जैसा कि मानव ने कहा, उसने उसे इंसाफ दिलाने में थोड़ी मदद तो की। कम से कम टीना की इंसल्ट करने के बाद उसके मन को थोड़ी सी तसल्ली तो हुई। ये दुनिया ऐसी है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी बदनसीबी है कि उन्हें किसी और को खुश देखकर दर्द सहना पड़ रहा है, इसीलिए किसी और की बदनसीबी में देखकर अपने आप को संभालने में उन्हें मदद मिलती है। उधर मानव अभी भी टीना के फैंस के साथ बहस कर रहा था। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम जिस इंसान को प्रोटेक्ट कर रहे हो वो एक एक्ट्रेस है ना? उसने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हासिल किया है और तुम लोग उसे इंटरनेशनल सुपरस्टार कह रहे हो। तुम सच में बहुत ही खड़ूस इंसान हो, रितिका ने मानव को टीना के फैंस के साथ बहस करते हुए देखकर अपना फोन टीना को पकड़ाते हुए कहा। मुझे तो हैरानी है कि मानव किस हद तक की प्लानिंग कर रहा है। तुम इसके बारे में सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि इससे मुझे परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन ये घटिया इंसान और मोनिका जैसी घटिया लड़की खून चूसने वाली कीड़ों के जोड़े की तरह है। पर जब उसे मानव पर इतना ही विश्वास है तो उसकी तकलीफ तो अभी और भी बहुत बढ़ेगी, खासकर जब तक सुपरस्टार मीडिया उसके हाथों में है तब तक। क्या टीना कोई एक्शन फिल्म बनाने की कोशिश नहीं कर रही है? तुम बस देखती जाओ, वो जो बना रही है वो या तो अमेरिकन से सीखा कोई करतब होगा या फिर बच्चों की कोई फिल्म निकलेगी। जब रितिका ने ये सब देखा तो उसके गुस्से का पारा और भी बढ़ गया। उसकी बातें कुछ ज्यादा ही घटिया थी, इसीलिए उसने कहा, क्या उसे ये सब बोलते हुए थोड़ा सा भी डर नहीं लगता? आज सुबह ही मुझे खबर मिली कि चींटियों की रानी फिल्म का ट्रेलर पूरा हो चुका है। टीना ने रितिका की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसका ध्यान किसी और भी जरूरी चीज की तरफ था। मैं जानती हूँ कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। इतनी तैयारी करने के बाद अब वक्त आ गया है उस फिल्म का एक ट्रेलर दिखाकर उस घटिया लड़की का मुंह बंद कर दिया जाए। वो ये सारी मेहनत और ये तकलीफ उस फिल्म के लिए बर्दाश्त कर रही थी, जो रितिका समझ नहीं पा रही थी, खासकर जो राजीव और दिया अपने सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी उसके कंधों पर जो डालकर गए थे। लेकिन अगर चाहे मानव और मोनिका उसके सामने खूंखार भेड़िए बनकर भी आ जाए तब भी वो टीना के रास्ते में नहीं आ सकते। इस बार ना तो वो एक एक्ट्रेस थी और ना ही एक मॉडल, इस बार वो एक राइटर और प्रोड्यूसर के रूप में सामने आई थी। उसके बाद टीना ने अपनी फिल्म का पहला वर्जन रणविजय को दिखाया और कहा, सबसे पहले तुम ही इसे देख रहे हो, यहां तक कि मैंने भी इसे नहीं देखा है।
रणविजय ने टीना की तरफ सीरियसली देखा। वो समझ गया कि वो क्या सोच रही है और इस समय उसके मन में क्या चल रहा है। उसे उसकी फिल्म को लेकर बहुत सच्चे रिव्यूज चाहिए, लेकिन उसे एक हिम्मत की भी जरूरत है। अभी तो ये शुरुआत है, इसीलिए इसमें अभी तो और भी एडिटिंग होगी, उसके बाद ही आगे का प्रोडक्शन होगा। बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि इसके कुछ पार्ट्स फिर से बनाए जाएं। और दूसरी बात, टीना रणविजय से बिल्कुल सही जवाब सुनना चाहती थी कि उसकी फिल्म सही है या नहीं। इसे मेरे पास छोड़ दो, रणविजय ने धीरे से टीना को कहा, ताकि उसकी घबराहट कुछ कम हो सके। गहरी सांस लो और अपने ऊपर इतना प्रेशर डालना बंद करो। टीना ने रणविजय का हाथ पकड़ा और सिर हिलाते हुए कहा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अगर इसका रिजल्ट अच्छा नहीं भी हुआ तो मैं फिर से शुरुआत कर सकती हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, मुझ पर विश्वास करो, ठीक है? टीना नहीं जानती थी कि रणविजय ने उसकी फिल्म कब देखने का सोचा है, लेकिन उसे उसके जवाब का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। पर अब सोने का वक्त हो चुका था, तब तक भी रणविजय ने कुछ नहीं कहा। वो काफी देर तक स्टडी रूम में ही बैठा रहा। क्या वो सच में अपना काम कर रहा था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो फिल्म देख रहा हो? उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो उसे कैसे बताए। टीना उससे इस बारे में जानना चाहती थी, लेकिन रंजना को उस दिन बुखार था और वो उसे गले लगाकर सो रही थी, तो उसे भी नींद आ गई। तभी रणविजय अपनी बीवी और बच्चों को वहां सोता हुआ छोड़कर स्टडी रूम में फिल्म देखने चला गया। वो इस फिल्म का हीरो था, इसीलिए उसके लिए फिल्म देखना थोड़ा अजीब था, लेकिन उसने अपनी सोच को एक तरफा रखा और वो उसके रिव्यूज अच्छे से दे सके, इसके लिए ऑडियंस की तरह उस फिल्म को देखने लगा। उसके सामने एक बार फिर उस फिल्म की पूरी कहानी नजर आने लगी, जो कि एक लव स्टोरी से एक बाप बेटी के प्यार में बदल गई। सबसे पहले सीन में कीर्ति किडनैप हो जाती है और फिर किडनैपर्स ही उससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उससे दूर भाग रहे होते हैं तो एक आदमी से टकरा जाते हैं। वो आदमी कुछ अजीब सा था, उसका शरीर एक झींगुर जैसा पारदर्शी था। उन्हें उसे देखकर दया आने लगी, फिर उन्होंने उसे इग्नोर किया और आगे बढ़ गए। लेकिन वहां से जाने के बाद उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो किससे टकराए हैं। वो सिर्फ किसी इंसान की चमड़ी है, वो किसी के शरीर का बाहरी हिस्सा है जिसे चींटी जैसे किसी जीव ने खाया है, और अब उसका सिर्फ सर वाला हिस्सा बचा है और वो ही था। ये देखकर रणविजय ने उसे एक मिनट के लिए पॉज कर दिया। ये पहला सीन ही इतना हैरान कर देने वाला था कि जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। टीना की आगे की प्रोडक्शन टीम ने तो फिर आगे जरूर कुछ स्पेशल ही बनाया होगा। उन्होंने इस चींटी जैसे जीव का शरीर इतना पारदर्शी बनाया था कि उसे देखकर ही कोई बीमार हो जाए। वैसे ज्यादातर अमेरिकन्स अपनी फिल्में फ्यूचर पर या फिर किसी और प्लैनेट पर आधारित बनाते हैं, लेकिन टीना तो उनसे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उसने अपनी फिल्म में अभी की दुनिया की असलियत दिखाई, जो किसी ऐसे सपने की याद दिलाता है जिसमें अतीत के किसी जानलेवा जीव का अनुमान कैसे लगाया जाए। वो फिल्म इतनी वास्तविक थी कि ऐसा लगता है जैसे ऐसा जीव किसी के भी बेड के नीचे छुपा हो सकता है, जिसे देखकर किसी के भी पसीने छूट सकते हैं। उसके बाद वो किडनैपर्स किसी छोटे से आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। ये रहस्य से भरा हुआ आइलैंड, जो असल जिंदगी जीने वाले जनजाति की तरह ही था, उस आइलैंड पर बनाया गया। माहौल किसी हॉलीवुड के बनाए माहौल से कम नहीं था। बहुत जल्द ही 2 घंटे बीत गए। एक बार में ही उस फिल्म को देखने के बाद रणविजय ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया। उसे अपने आप को होश में लाने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। वैसे तो उसका फिल्म बनाने का स्टाइल राजीव और अंशुमन से कुछ अलग नहीं था, लेकिन रणविजय ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वैसे तो देखने में रणविजय शांत ही नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी कांपते हुए हाथ नहीं छपा पा रहा था। उसके नजरिए से उसने कभी सोचा भी नहीं था कि टीना ऐसी कोई फिल्म बना सकती है, तो फिर ऐसी फिल्म देखकर कौन एक्साइटेड नहीं होगा। एक मिनट बाद ही रणविजय अपने कमरे में वापस चला गया, और फिर जब उसने टीना को सोते हुए देखा तो उसे लगा जिस तकलीफ और दर्द को उसने इतने टाइम तक सहा है वो सब सफल हो गया। इसके लिए उसने एक पूरा साल लगा दिया। तो कैसी लगी मेरी फिल्म? टीना ने बड़ी ही उत्सुकता से रणविजय से पूछा। ये तो मेरी सोच से भी बहुत आगे निकली, रणविजय ये कहकर पीछे मुड़ गया। उसके बाद उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसके मुंह से निकले ये 5 शब्द ही काफी थे, क्योंकि टीना के लिए ये जानने का सबसे बेहतर तरीका था। ये सुनकर उसे हंसी आ गई, क्योंकि रणविजय की पर्सनालिटी के हिसाब से उसे सब चीजों से ऊंची उम्मीदें रखनी चाहिए, इसलिए वो सीधे सीधे किसी की तारीफ कभी नहीं करता। इसलिए उसकी उम्मीदों से आगे होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब वो उसे मान गया,
रणविजय की नजर में पास होने का क्या मतलब है। वो एक टॉप का बिजनेसमैन है, इसलिए किसी फिल्म या इंडस्ट्री से जुड़े किसी प्रोजेक्ट को परखने का लेवल भी उसका बहुत अच्छा है। तो फिर टीना भला खुश कैसे नहीं होती? ये सोचकर टीना ने खुशी से कूदकर रणविजय को लपक कर पीछे से पकड़कर कसकर गले लगा लिया और कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? रणविजय सिर नीचे करके उसके नंगे पैरों की तरफ देखने लगा। वो डर गया कि कहीं उसे ठंड न लग जाए। उसने पीछे मुड़कर झट से अपनी गोद में उसे उठा लिया और कहा, जब भी तुम घर पर रहो तो पैरों में स्लीपर पहनना मत भूला करो। क्या तुमने अभी भी जो कुछ भी कहा सच में तुमने सीरियस होकर कहा? जब तुम देखोगी तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा, रणविजय ने जवाब दिया। उसके पहले ट्रेलर के रिलीज होने के बाद तुम इसकी स्क्रीनिंग करके टेस्ट कर सकते हो। ट्रेलर पर अच्छे से ध्यान देना, ठीक है? ठीक है, टीना ने घबरा कर सिर हिलाते हुए कहा। दुनिया के सामने वो चाहे कैसे भी दिखे, लेकिन रणविजय के सामने वो ऐसी मासूम सी औरत बनकर रहती है जिसे प्यार और प्रोटेक्शन की जरूरत है। रणविजय टीना के इस रिएक्शन से बहुत खुश था, इसीलिए उसने उसे सोफे पर बिठाया और फिर बेडरूम से उसके लिए चप्पल लेने चला गया और फिर उसने चप्पल की एक जोड़ी लाकर उसके सामने रख दी। रणविजय के इस प्रोत्साहन को देखकर टीना की चिंता दूर हो गई, लेकिन रणविजय घर से जाता उससे पहले ही टीना ने उसे तुरंत रोका और कहा, मैं आपसे पहले पूछना ही भूल गई कि क्या आरआर एंटरटेनमेंट के पास सुपरस्टार मीडिया को वापस लेने का कोई अधिकार है? सुपरस्टार मीडिया और आरआर एंटरटेनमेंट के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा था कि उसके खड़ा होने के बाद हर साल एजेंसी को आगे बढ़ने के लिए एक तैयार हुए आर्टिस्ट को आरआर एंटरटेनमेंट में भेजना होगा। रेशमा और तन्मय तुम्हारी इस कामयाबी का सबूत है। उसके बाद आरआर एंटरटेनमेंट ने हर 6 महीने का हिसाब किताब रखा है। अगर एजेंसी को अपने नॉर्मल ऑपरेशन में दिक्कत आती है और वो आगे कोई अच्छा आर्टिस्ट तैयार ना कर पाए तो आरआर एंटरटेनमेंट के पास उसे वापस लाने का अधिकार है। किसी के पास भी उसके शेयर्स हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आरआर एंटरटेनमेंट के पास ही फाइनल डिसीजन लेने का हक होता है, रणविजय ने कहा। इसीलिए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तुम्हें खुद से बिजनेस करने का अलाउ किया है। दूसरे शब्दों में कहूं तो इसका मतलब यह है कि तुम जब भी चाहो तुम सुपरस्टार मीडिया को वापस ले सकते हो। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग की तरह आसान है, लेकिन अगर हम उसे वापस लेते हैं तो भी वो एजेंसी ज्यादा दिनों तक टिकेगी नहीं। तुम्हें इस बारे में ध्यान से सोचना चाहिए, रणविजय ने सीरियसली जवाब दिया। असल में अगर टीना ने कुछ नहीं कहा होता तो रणविजय कभी सुपरस्टार मीडिया के मामले में इन्वॉल्व ही नहीं होता, इसलिए वो एजेंसी चलती रही और आरआर एंटरटेनमेंट के शेयर होल्डर्स को कुछ पता भी नहीं चला। फिर तो मुझे इस बारे में जरा ध्यान से सोचने दो, टीना ने कहा। रणविजय ने मुस्कुराते हुए धीरे से टीना के सिर पर थपकी मारी। वैसे तो उन दोनों की उम्र 30 के ऊपर थी, लेकिन अभी भी उनकी हरकतों को देखकर ऐसा लगता था जैसे वो अभी एक दूसरे को डेट कर रहे हों। तुम खुद ही डिसाइड करो कि मानव और मोनिका ने सुपरस्टार मीडिया को तुमसे छीनने में इतनी मेहनत की है और उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि आरआर एंटरटेनमेंट के टर्म्स के हिसाब से खड़ी हुई है। जब टीना ने उस एजेंसी को खड़ा किया था तो उसका आरआर एंटरटेनमेंट से अलग होने का कोई इरादा नहीं था। उसने तो बस उसे टैलेंटेड आर्टिस्ट्स को खोजने के लिए बनाया था, इसलिए उसका मकसद आर्टिस्ट्स को आगे बढ़ाने में मदद करना था, जब तक वो उन्हें आरआर एंटरटेनमेंट तक पहुंचने के काबिल ना बना दे। इसलिए उसने कभी सोचा भी नहीं था कि तब जिस बात पर उसने सहमति जताई थी वो बात उसे अब एक मुंह तोड़ जवाब देने के काम आएगी। लेकिन टीना नहीं जानती थी कि रितिका और सना सुपरस्टार मीडिया को बीच में ही रोकने के लिए मान जाएंगी। सुपरस्टार मीडिया ने काफी अच्छा नाम कमाया था, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाया। उसने अभी तक सिर्फ तन्मय और रेशमा के नाम को तो रोशन ही किया था। तनुजा की बात करें तो वो हमेशा से ही बहुत मेहनती औरत थी, और जब से सुपरस्टार मीडिया का अस्तित्व खतरे में पड़ा था वो और भी ज्यादा नजर में आने लगी थी। लेकिन वो कभी भी एजेंसी पर निर्भर नहीं थी, बल्कि वो खुद के काम के लिए खुद ही लड़ लेती थी। जब से टीना ने अरेंजमेंट किया था तब से वो सुपरस्टार मीडिया के हाथ से जाने के बाद भी उसके पास उदास होने की कोई वजह नहीं थी। अगले दिन सुबह सुबह रितिका लौट एजेंसी पहुंच गई और फिर टीना ने उसे आरआर एंटरटेनमेंट और सुपरस्टार मीडिया के बीच जो रिलेशन था उसके बारे में बता दिया और उससे उसके बारे में राय लेते हुए कहा, अगर तुम तैयार हो तो वो उन शेयर्स के पैसे तुम्हें दे सकते हैं जो तुम्हारे पास थे और सना को भी। लेकिन मैंने तो मेरे सारे शेयर्स मानव को दे दिए थे, रितिका ने मुंह लटका कर कहा। आप सिर्फ सना को ही दे दीजिए, मुझे आपसे कुछ भी लेने का कोई हक नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि तुम तैयार हो,
मुझे लगता है मेरे लिए तुम्हारी असिस्टेंट बनना ही ठीक है। और रही बात सना की, तो उसकी सिचुएशन के बारे में तो तुम्हें अच्छे से पता ही है कि वो बस कुछ ही दिनों में माँ बनने वाली है, और वैसे भी उसके ससुराल वाले उसे और मुसीबत में पड़ने नहीं देना चाहेंगे। और मुझे लगता है सना कभी भी अपना करियर बदल सकती है, इसलिए मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। रितिका ने जवाब दिया, उन दोनों घटिया लोगों के साथ काम करने से तो ये अच्छा ही है। टीना ने रितिका की तरफ देखा। वैसे तो उसने अपने इमोशंस को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन टीना ने उसकी आंखों में आंसू देख ही लिए थे। ये सच है कि अगर तुम कुछ बनना ही चाहती हो तो मेरी असिस्टेंट ही क्यों नहीं, ये रोल तो तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है। चलो मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। ये बोलकर टीना ने मुड़कर उसे उसकी वो फिल्म दिखाई। इस बार रितिका वहां एक अलग ही ऑडियंस के रूप में बैठी थी। अगर रणविजय की बातों से प्रोफेशनल चीजों का पता चला तो रितिका बतौर ऑडियंस अच्छा रिएक्शन दे पाएगी, और ये देखकर रितिका की आंखें अपने आप उस स्क्रीन की तरफ खींची चली गईं, और फिर पहले सीन को देखकर ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, और उसने हैरान होकर पूछा, क्या ये वही फिल्म है जिसे तुम राजीव जी के साथ मिलकर बना रही थी? पर तुमने तो कहा था कि अभी सिर्फ उसका ट्रेलर ही तैयार हुआ है, क्या वो फिल्म पूरी हो गई? तुम्हें इसे देखकर खुद ही पता चल जाएगा, ये तो अभी पहला ही कट है। रितिका खुशी से कूद पड़ी। इतने लंबे टाइम का इंतजार करने और इतनी परेशानियां झेलने के बाद उन्हें आखिर पूरी चीज देखने को तो मिली, तो फिर भला वो एक्साइटेड क्यों नहीं होती? उसे भी टीना जैसा ही महसूस हो रहा था। टीना ने रितिका की तरफ देखा और उसे शांत कराने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि उसने सुपरस्टार मीडिया के लिए बहुत कुछ किया था, इसीलिए अगर अब आरआर एंटरटेनमेंट सुपरस्टार मीडिया को वापस ले भी लेता है तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में जाकर रितिका को कॉम्पनसेशन दिलाने की कोशिश जरूर करेगी। लेकिन उसे ये नेगोसिएशन करने का कोई हक नहीं था, इसलिए वो रितिका से कोई झूठा वादा नहीं करना चाहती थी। रितिका को फिल्मों के बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही था, इसलिए उसे उसके प्लॉट और उसमें क्या कैरेक्टर यूज किया जा रहा है इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो तो बस उसे अच्छे से देख रही थी और उसमें ऐसा कुछ नहीं था जो उसे पसंद ना आया हो। इसलिए रितिका को ये फिल्म दिखाने का मतलब था एक और अलग टाइप के दर्शक के रिव्यू प्राप्त करना। उस पूरी फिल्म के दौरान रितिका के दिमाग में सस्पेंस ही बना हुआ था। कभी उसे डर के मारे पसीना आने लगता तो कभी क्लाइमेटिक सीन्स के दौरान डर के मारे वो टीना को पकड़ लेती, और उस फिल्म के आखिरी सीन तक पहुंचने के बाद ही रितिका ने टीना की तरफ देखा और बिना कुछ कहे अंगूठे से थम्स अप का इशारा किया। उसके बाद रितिका ने अपनी छाती पर हाथ रखकर इस तरह से लंबी सांस ली जैसे अब वो कोई और डरावनी चीज नहीं देख सकती है, और कहा, सच में ये बहुत ही कमाल की है। पहले मुझे थोड़ी सांस तो लेने दो, रितिका ये बोलकर थोड़ी देर सोफे पर पीछे होकर लेट गई, और स्क्रीन पर देखते हुए तो उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। टीना, आज तक मैंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं, लेकिन मैंने जितनी भी फिल्में देखी हैं ना, ये उनमें से सबसे डरावनी फिल्म है। इसकी सेटिंग, इसके इफेक्ट्स, उस पर रणवीर सर और उस छोटी सी बच्ची कीर्ति की कमाल की एक्टिंग, सच में सब कुछ बहुत ही शानदार है। बस बस अब ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर मत बोलो, टीना ने रितिका के लिए ग्लास में पानी डालते हुए कहा। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, रितिका ने एक घूंट पानी पिया और फिर अपनी छाती पर हाथ रखकर उसे विश्वास दिलाते हुए कहा, सच में सब कुछ बहुत कमाल का था। क्या ये सच में उस स्टैंडर्ड से बढ़कर था? ये स्टैंडर्ड से थोड़ा सा ऊपर था, ठीक है, अगर तुम इसमें थोड़ी एडिटिंग और कर दोगी तो ये और अच्छी हो जाएगी, रितिका इतनी खुश होकर बता रही थी जैसे वो उस फिल्म को नंबर देने वाली हो। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम और राजीव मिलकर ऐसा कुछ बना लोगे, मैंने सच में इसके बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बस एक परेशानी है, राजीव जी और अंशुमन का स्टाइल थोड़ा अलग है, लेकिन ये बहुत छोटी सी बात है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर उन दोनों की मेहनत की वजह से ही हम इस फिल्म को पूरा कर पाए हैं, टीना समझ चुकी थी, इसलिए वो इसके अलावा और कोई बात एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। क्या अंशुमन ने ये फिल्म देखी है? टीना ने सिर हिलाकर मना करते हुए कहा, तुम ऐसे दूसरे इंसान हो जिसने ये फिल्म देखी है, यहां तक कि मैंने भी अभी तक इसे नहीं देखा। तुम इतनी कमाल की फिल्म को कैसे छोड़ सकती हो? उस फिल्म को देखने के बाद रितिका इतनी एक्साइटेड थी कि वो अपने आप पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। उसने सोचा भी नहीं था कि टीना कोई एक्शन फिल्म बना पाएगी, वो भी इतने कम समय में और इतनी अच्छी। बस अब मेरी तारीफ करना बंद भी करो, रणविजय ने कहा कि मुझे इसके प्रमोशन के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, इसलिए अब तो मैं और भी ज्यादा बिजी होने वाली हूँ।
टीना ने अपना लैपटॉप बंद करते हुए कहा। उसे बस अब एक ही काम करना था, अपनी फिल्म को परफेक्ट बनाना। तुम चिंता मत करो, ऐसी अच्छी फिल्म फैंस को जरूर पसंद आएगी, विश्वास करो मुझ पर, रितिका ने टीना के कंधे को थपथपाते हुए कहा। थैंक यू तुम्हारी इस मेहनत के लिए, रितिका सिर हिलाकर उसे वेलकम कहना ही चाहती थी कि अचानक उसके पेट में कुछ अजीब सा होने लगा और वो पेट पकड़कर तुरंत बाथरूम की तरफ भागी। टीना भी जल्दी से उसके पीछे पीछे गई और उसने उससे पूछा, कहीं तुम फिर से प्रेग्नेंट तो नहीं? नहीं, मैं अभी कुछ दिनों पहले ही तो रौनित के साथ टेस्ट करवाने गई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक मुझे नहीं मिली है। हाँ, साफ दिख रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो, इससे तुम्हारे पेट का क्या लेना देना है? टीना ने रितिका की तरफ घूर कर देखा और सिर हिलाकर कहा, ऐसा लगता है अब तो मुझे कुछ दिनों के लिए अपने लिए कोई और असिस्टेंट ढूंढनी होगी। रितिका अपनी लास्ट पीरियड्स की डेट को याद करके थोड़ी कंफ्यूज हो गई और फिर उसने कहा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे अभी फिलहाल एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेने जाना होगा। तुम्हें रौनित को लेकर सीधे हॉस्पिटल जाना चाहिए, टीना ने रितिका को उसका फोन पकड़ाते हुए कहा। अपना फोन लेकर रितिका ने टीना को सीरियसली कहा, अगर मैं प्रेग्नेंट होती भी हूँ तो भी अभी कुछ टाइम तक तो मैं तुम्हारी मदद कर ही सकती हूँ, तुम्हें तब तक तो कोई असिस्टेंट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बाबा, टीना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रितिका जल्दी से टीना के घर से निकल गई और फिर उसके जाने के बाद टीना ने अंशुमन को फोन लगाया और कहा, फिल्म पूरी हो चुकी है, उसे मेरे पास भेज दो ताकि मैं भी उसे देख लूं, अंशुमन ने ये कहकर फोन रख दिया। वो ये जानने के लिए बेचैन था कि टीना ने इतने कम समय में उसके आगे की प्रोडक्शन के साथ क्या किया है। अगर इसके इफेक्ट्स अच्छे नहीं हुए तो फिर तो मुंबई में एक्शन फिल्म बनाना नामुमकिन है। थोड़ी देर में टीना ने पूरी एहतियात के साथ उस फिल्म का पहला वर्जन अंशुमन को भेज दिया। वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से समझती थी कि उसे इस फिल्म को किसी भी हालत में परफेक्ट बनाना है। थोड़ी देर तक रितिका को पेट में तकलीफ होती रही, लेकिन उसे ये सब देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा था कि वो प्रेग्नेंट होगी, इसलिए वो अभी भी लापरवाही कर रही थी, क्योंकि सुपरस्टार मीडिया के साथ इतना कुछ हो चुका था कि उसका ऐसा बर्ताव करना नॉर्मल बात थी। और फिर खुद अकेले ही हॉस्पिटल पहुंचने के बाद, वैसे तो वो रौनित को फोन करना चाहती थी लेकिन उसने उसका फोन उठाया ही नहीं। रितिका ने सोचा कि वो बिजी होगा, इसलिए उसने खुद ही टेस्ट करवा लिया। और फिर जब उसे पता चला कि उसकी प्रेगनेंसी को 2 महीने हो चुके हैं तो वो हैरान हो गई। पहले जब रितिका की माँ ने उसे दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए कहा था तो उसने ऐसा नहीं किया था, और अब ये दूसरा बच्चा बिना कुछ प्लानिंग किए ही आ गया था। और जब उसने वो रिपोर्ट अपने हाथ में ली तो उसके अंदर न जाने कितनी बातें चल रही थी। पहले तो वो घर जाकर इस बारे में ध्यान से सोचना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो घर वापस गई तो उसने देखा कि उसके घर का दरवाजा खुला है। और फिर जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो देखा रौनित और उसकी माँ सामने सोफे पर बैठे हुए हैं। और फिर ऐसे माहौल को देखकर उसने अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट को जल्दी से छुपा लिया। रितिका को देखते ही रौनित ने उससे पूछा, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? क्या मैडम को अब तुम्हारी जरूरत नहीं है? यहाँ ये सब क्या हो रहा है? रितिका ने रौनित की माँ की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमने तो मुझे बताया नहीं था कि आज तुमसे कोई मिलने आने वाला है। मैं जब घर पर पेपर्स लेने आया तो मैंने इन्हें यहाँ पर देखा, रौनित ने कहा। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, मैंने इन्हें यहाँ नहीं बुलाया। हाँ, रौनित की माँ ने यह सुनकर कहा, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं सुना कि किसी माँ को अपने बेटे से मिलने के लिए भी अपनी बहू से इजाजत लेनी पड़ती है। रौनित, तुम्हारे पापा और मैंने तो तुम्हें ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी, और अब इस औरत के लिए तुमने अपने माँ बाप को ही छोड़ दिया। सच में ये बहुत ही गलत बात है। आप यहाँ क्यों आई हैं? रौनित ने अपनी माँ की तरफ देखकर पूछा। मैं और रितिका थोड़ी बिजी हैं, इसलिए हमारे पास आपके साथ टाइम बिताने का वक्त नहीं है। हो सकता है तुम्हें मेरी और अपने पापा की कोई जरूरत ना हो, लेकिन तुम्हारे बेटे का क्या होगा? रौनित की माँ ने एक बच्चे की फोटो निकालकर सामने रखी, टेबल पर रख दी और कहा, तुमने शुरू में इस बच्चे को रखने के लिए हाँ कह दिया था, और अब जब वो इस दुनिया में आने वाला है तो उसे उसके पापा की जरूरत है, इसलिए तुम्हें थोड़ा वक्त निकाल कर उसके लिए आना ही होगा। हमने इसके पैदा होने की बात की थी, इसलिए फिर से हमें डिस्टर्ब मत कीजिएगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब आप क्या करने वाले हैं? रौनित ने कहा, दूसरी बात, मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरी सिर्फ एक बेटी ही है। मुझे सच में समझ नहीं आता कि तुम क्या सोचते हो। तुम्हारा एक बेटा भी है जिसे तुम चाहते ही नहीं हो, बल्कि उसके बदले तुम अपने साथ इन मनहूस कुतियों को रखना चाहते हो। रौनित की माँ ने उस फोटो को वापस उठाते हुए अपने बेटे के ऊपर चिल्लाते हुए कहा,
वो बच्चा अब तक तो पूरी 100 दिन का हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि तुम उसके फंक्शन में जरूर आओगे ताकि वो अपने परिवार को पहचान सके। रौनित ने बिना बोली सिर्फ बाहर के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए अपनी माँ को वहां से जाने का इशारा किया। उस घर में उनका कोई भी स्वागत नहीं करना चाहता था। आज के बाद कभी मुझसे मिलने मत आइएगा। आपने जो वादा किया था उस पर टिके रहिए, वरना मुझे नहीं पता मैं क्या कर बैठूंगा। रौनित ने अपनी माँ के जाने से पहले उन्हें धमकी देते हुए कहा, लेकिन उसकी माँ ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया और कहा, अपने बेटे को देखने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि वो कितना प्यारा है। इस बार रौनित अपने आप को रोक ही नहीं पाया और उसने अपनी माँ के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, माँ यहाँ से चली जाइए। वो एक पति है और अपनी बीवी को ऐसी बातों से बचाना चाहता है। और उस सेलिब्रेशन का क्या होगा? वो वहां जाएगा जरूर, लेकिन इसलिए नहीं कि वो अपने बेटे को देखना चाहता है, बल्कि वो वहां पर उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने जाने वाला था। उसकी माँ ने पहले ही बहुत हद कर दी थी। मेरे में ऐसी क्या बुराई है और मेरी बेटी में ऐसी क्या बुराई है? और आखिर वो खुद भी तो एक औरत ही तो है। क्या उन्होंने अब की बार हद नहीं कर दी? क्या हमने ये तय नहीं किया था कि वो इसके बाद हमारी जिंदगी में दखल नहीं देंगी? पर रौनित ने रितिका के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या हम एक दूसरे से किया वादा तोड़ तो नहीं रहे हैं? लेकिन ये मामला एक ना एक दिन सुलझ ही जाएगा, तुम चिंता मत करो। रौनित ने रितिका के सर पर थपके मारते हुए कहा और फिर उसे अपनी बाहों में ले लिया। मैं कभी अपने पेरेंट्स के लिए तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मुझ पर भरोसा करो। उस फंक्शन के लिए अच्छे से तैयार हो ना, मैं वहां अपने साथ तुम्हें भी ले जाने वाला हूँ। और फिर बच्चे के बारे में सोचकर रितिका ने अपने पर्स में से अपनी वो रिपोर्ट निकाली और कहा, तुम एक बार फिर पापा बनने वाले हो। उसकी बात सुनकर रौनित थोड़ा हैरान हो गया और फिर रितिका की तरफ देखकर उसने एक्साइटेड होते हुए कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कह रही हूँ कि मैं एक बार फिर प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर रौनित ने रितिका को अपनी बाहों में उठा लिया और वो इतना इमोशनल हो गया जैसे वो पहली बार बाप बनने वाला हो। अरे मुझे जल्दी से नीचे उतारो। रौनित ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे ऐसे ही गोद में उठाकर अपने बेडरूम तक ले गया और फिर उसे बेड पर लिटा दिया और कहा, अगर ये बात है तो फिर उस फंक्शन में होने वाले तमाशे में और भी मजा आ जाएगा। एक माँ जो अपने बेटे को अपनी काबू में करना चाहती है, उसका बेटा ही उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। देखते हैं अब जीत किसकी होगी। मानव कुछ दिनों तक टीना के फैंस के खिलाफ बोलता रहा, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हो गया कि टीना कभी भी खुद उसकी बात का जवाब नहीं देगी। उसे बदनामी और बुराई का कोई डर नहीं है और ना ही उसे इस बात का डर है कि कहीं मोनिका सुपरस्टार मीडिया का नाम लेकर उसे ब्लैकमेल ना कर ले। इसलिए मानव को लगा कि उसके इन अटैक का कोई फायदा नहीं है जिन्हें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। मानव के भाई ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा जब वो किसी काम में थोड़ा बिजी था और फिर उसने हंसते हुए कहा, चलो बाकी सब थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख देते हैं और इस सच्चाई पर फोकस करते हैं कि कुछ सालों से टीना की शादीशुदा जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही है। उसे तुम चाहे कितना ही पसंद क्यों ना करते हो, फिर भी कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। फिर तुम अपनी जिद पर क्यों अड़े हुए हो? भाई तुम इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि सब लोग उसके बारे में सोचते हैं कि वो बहुत अच्छी औरत है, लेकिन सिर्फ तुम ही हो जो ये मानते हो कि वो कितनी खतरनाक है और तुम उसका ये नकाब हटाकर दुनिया को उसका असली चेहरा दिखाना चाहते हो। क्या वो ये झूठा दिखावा करते करते कभी थकती नहीं है? लेकिन इस तरह से बेवकूफ कॉकरोच की तरह इधर उधर घूमना अटैक करने का अच्छा तरीका भी तो नहीं है, मानव के भाई ने हंसते हुए कहा। अभी तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो और तुम्हारी फ्यूचर का क्या होगा? क्या तुम अब अपना फ्यूचर नहीं बनाना चाहते हो? भाई तुम तो मुझे अच्छे से जानते हो, अगर मैंने इस औरत के मुंह से नकाब नहीं हटाया तो मैं कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगा। ये सुनकर मानव के भाई ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है फिर तुम्हारी मदद करने के लिए मैं बस इतना ही कर सकता हूँ कि तुम जैसे हो वैसे ही तुम्हें एक्सेप्ट करो। अगर तुम टीना के बारे में लेटेस्ट न्यूज जानना ही चाहते हो तो उसकी फैन क्लब में देख सकते हो, फैंस क्लब में ही सबसे पहले खबर आती है। अपने भाई की बात सुनकर मानव झट से उठकर बैठ गया क्योंकि उसे एक और सोचने का नया ऑप्शन मिल गया। वो जब से इस दुनिया में आया है भगवान ने उसे ऐसा भाई दिया है जो हमेशा उसका साथ देता है, लेकिन मोनिका उसकी तरह लकी नहीं है। मोनिका को सेकंड और थर्ड लेवल से आगे ना बढ़ने की बेइज्जती एक बार फिर सहनी पड़ी और टीना इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि वो कभी उस तक पहुंचने का सपना भी नहीं देख सकती थी।
क्योंकि सभी एडवर्टाइजर जो समझदार थे वो उसके और टीना के बीच का फर्क अच्छे से जानते थे, इसलिए वो अगर टीना तक नहीं भी पहुंच सके तो वो किसी और आर्टिस्ट को ले लेंगे। उनके लिए किसी घटिया हम शक्ल को लेना जरूरी नहीं था। मोनिका बड़ी ही अजीब सिचुएशन में थी। इस दौरान उसकी एजेंसी भी इसका सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते हार चुकी थी, लेकिन उनकी किस्मत उनका साथ ही नहीं दे रही थी। ये टीना की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाने की कोशिश का अंजाम था। सारा कमाया हुआ प्रॉफिट अब लॉस में बदल चुका था। जब कोई किसी की परछाई बनकर चलता है तो उसे आज नहीं तो कल गिरना ही पड़ता है। मोनिका के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो उसी के लायक थी। मोनिका की इस बार की परफॉर्मेंस की वजह से उसकी एजेंसी भी उसे नापसंद करने लगी थी, क्योंकि वो तो शुरू से ही जानती थी कि वो ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली है। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि वो दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। टीना को उसे बर्दाश्त करने के लिए एक रुपए भी खर्चा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे ऐसी किसी चीज पर ध्यान देने की ही जरूरत नहीं थी जो असली नहीं है, फिर चाहे मोनिका ने उसके खिलाफ कितनी ही चालें चलने की कोशिश क्यों ना की हो। मोनिका की सिचुएशन अब बहुत खराब हो चुकी थी, यहाँ तक कि वो आगे बढ़ने का आखिरी मौका भी अपने हाथों से गंवा चुकी थी। इसीलिए अपने इस लॉस की भरपाई करने के लिए तुम्हें मोनिका को इंडस्ट्री के कुछ और बॉसेस से मिलवाना होगा। तुम तो जानते हो कि मेरे कहने का मतलब क्या है। अपने बॉस की बात सुनकर मोनिका के मैनेजर ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझ गई। बहुत अच्छी बात है। जैसा कि पहले बताया गया था कि वो मोनिका के मैनेजर देखने में बहुत गंवार लगती है, लेकिन वो बहुत ही समझदार इंसान है। उसके खुश होने की दूसरी वजह यह भी थी कि वो जानती थी कि अब टीना ये साबित करने वाली है, मानव और मोनिका पहले मिले थे और उसे पता भी नहीं है कि ये बॉम्ब उसके ऊपर कब फटने वाला है। इसीलिए उसके लिए अच्छा होगा कि उसके फटने से पहले वो इन सब से दूर हो जाए। उधर मोनिका को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी एजेंसी उससे मुंह फेर चुकी है। उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि उनके साथ आराम से जिंदगी जी सकती है, इसीलिए जब भी उसके मैनेजर उसकी तरफ देखती तो उसकी आंखों में उसके लिए तरस नजर आता था। इतना ही नहीं, वो उसके लिए इन सबसे बाहर निकलने के लिए कोई तरीका सोच रही थी। अब जब सुपरस्टार मीडिया को अपने पास रखने का कोई फायदा ही नहीं है, तो फिर जब अभी भी वो एजेंसी फेमस है तो तुम उसे बेच क्यों नहीं देती। मैनेजर की ये सलाह सुनने के बाद मोनिका किसी गहरी सोच में पड़ गई और फिर बोली, लेकिन मेरे पास उसके सारे शेयर्स नहीं है। तो तुम्हारे पास जितने हैं उतने ही बेच दो। तुम्हें उसे अभी बेच देना चाहिए जब लोग इसके बारे में बातें करते हैं, वरना फिर किसे पता क्या होगा। हो सकता है इसके बाद इसका नाम फिर से होने लगे। मोनिका आगे पीछे घूम घूम कर सोचने लगी कि उसके मैनेजर कह तो सही रहे हैं, इसीलिए उसने कहा, मुझे लगता है ये इतना भी बुरा आइडिया नहीं है। कम से कम इससे मुझे कुछ पैसा तो मिल जाएगा, और वैसे भी मेरे पास रहकर सुपरस्टार मीडिया को ज्यादा कुछ तो हासिल होगा नहीं। तुम इस मामले को अपने आप देख लो, सब तरफ ये खबर फैला दो और फिर देखो कोई अगर इंटरेस्टेड होता है तो। ठीक है, उसके मैनेजर ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन सुपरस्टार मीडिया को बेचने का पॉइंट क्या होगा। तन्मय और रेशमा आरआर एंटरटेनमेंट में है, इसीलिए उसके मैनेजर को लगा कि उनके पास अब सिर्फ तनुजय है, और अगर किसी ने इसे लिया ही नहीं तो। लेकिन इसे टीना ने बनाया है, इसीलिए इसकी कुछ तो अहमियत जरूर होगी। लेकिन जैसे उसके मैनेजर ने एजेंसी को बेचने की खबर फैलाई तो मोनिका के पास मानव का फोन आया। क्या तुम पैसा कमाने के लिए इतनी पागल हो गई हो? इसे रखकर भी मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे तो इसे चलाना भी नहीं आता, और वैसे भी तुम इसे मुझे दे चुके हो तो तुम्हें मुझसे पूछने का कोई हक नहीं है कि मैं इसका क्या करती हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग तो कहीं खराब नहीं हो गया? अगर तुमने सुपरस्टार मीडिया को बेच दिया तो तुम टीना तक पहुंचने का चांस भी खो दोगी। जब मैं जी ही नहीं सकती हूँ तो फिर मैं उसके पीछे लगने के बारे में कैसे सोच सकती हूँ। ये बोलकर मोनिका ने गुस्से में फोन नीचे रख दिया और कहा, मैं इसे बेच रही हूँ। जाहिर सी बात है कि उसका ये फैसला उसे बर्बाद करके उसका मजाक बनाने के लिए काफी है। क्या तुमने सुना कि मोनिका हमारी एजेंसी के शेयर्स को बेचने का सोच रही है जो हमने उसे दिए थे? अपनी सूत्रों से ये बात सुनने के बाद रितिका ने टीना को फोन करके कहा, मैं कहती हूँ कि अब आरआर एंटरटेनमेंट सुपरस्टार मीडिया को वापस ले ले, वरना अगर मोनिका इसी तरह आगे भी ड्रामा करती रही तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि हमने जो मेहनत की वो बेकार जाए। हमारी मेहनत बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगी, टीना ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा। और ये मत भूलो कि तन्मय और रेशमा आज कहाँ पहुंच चुके हैं, और तनुजा जी आज जहाँ हैं उन्हें किसी के सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। वो तीनों ही बहुत मेहनती हैं, और सुपरस्टार मीडिया भी उनकी वजह से ही खड़ा था, और अब वो तीनों ही उसमें नहीं हैं।
और अब ये एजेंसी बिल्कुल खाली है और उसके होने की कोई वजह ही नहीं है। और अगर मोनिका आगे भी कोई बेशर्मी वाली हरकत करती है तो उसे करने दो। क्या किसी ने उनकी कोई कीमत लगाई है? मैंने सुना है कि कुछ बड़ी एजेंसियां उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, जिससे वो उसके टैलेंटेड आर्टिस्ट्स को ढूंढने के मकसद को आगे भी बरकरार रख सकें। रितिका ने जवाब दिया, और तुम क्या करने की सोच रही हो? मेरा प्लान है कि मोनिका के नेगोशिएट करने तक इंतजार करूंगी और फिर जब उसे उसकी कीमत मिल जाएगी फिर मैं रणवीर से कहूंगी हमारी एजेंसी को वापस ले लें। टीना ने ये बात किचन में खड़े होकर डिनर तैयार करते हुए कही। तो क्या इसका मतलब यह है कि तो वो मजाक बनकर रह जाएगी? जैसे रितिका ने उस सीन के बारे में कल्पना की तो उसका मन खुशी से झूम उठा। वो इसी के लायक है ना? टीना ने उससे पूछा। तुम्हारा ये लोमड़ी जैसा दिमाग कभी नहीं बदलेगा, रितिका ने हंसते हुए ये बात कही। और फिर उसे एक जरूरी बात याद आ गई और उसने टीना को बताई। 2 दिन बाद मुझे और रितिका को काम से छुट्टी चाहिए होगी, हमें कुछ प्राइवेट काम है। ओह ठीक है, टीना ने बड़े आराम से जवाब दिया। रितिका ने कभी अपने घर की कोई बात किसी को भी नहीं बताई थी, इसलिए टीना को भी नहीं पता था कि वो कितनी परेशानी से गुजर रही है। जाहिर सी बात है कि उसकी छुट्टी लेने की वजह उस बच्चे के लिए रखा गया फंक्शन ही था। ये कैसा मजाक है? अपने भाई से कुछ टिप्स लेने के बाद मानव ने फैन क्लब में एंट्री लेने की बहुत कोशिश की, क्योंकि एक फैन क्लब को ज्वाइन करने के लिए एक एग्जाम भी देना पड़ता है, और मोनिका की एजेंसी को बेचने की बात से तो मानव बिल्कुल खिलाफ था। लेकिन जब उसने सिचुएशन के दूसरे पहलू को देखा तो मोनिका फैंस का ध्यान भटकाने में उसकी मदद कर रही थी, जिससे उसे फैंस क्लब में झांकने का मौका मिल सकता था। कम से कम वो बेवकूफ लड़की किसी काम तो आई। टीना के मुंबई वापस आने के बाद और मोनिका को जब से एजेंसी की पावर मिली है तब से उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसके खिलाफ कुछ कर सके, इसलिए मोनिका उस एजेंसी के शेयर्स बेच रही है। ये खबर कुछ लोगों को ही पता थी, पर फिर मानव ने ये खबर पागलों की तरह फैलाना शुरू कर दिया। टीना ने इस एजेंसी को अपने हाथों से खड़ा किया था, इसलिए अब जब मोनिका उसे बेचने की कोशिश कर रही थी इंडस्ट्री के लोग लंबी सांसें लेकर कहने लगे, उसके हाथ में बहुत ही अच्छा पैंतरा है और उसे वो इस तरह इस्तेमाल करके बर्बाद कर रही है। सुपरस्टार मीडिया के इस तरह ऊपर पहुंचकर फिर सीधे एकदम से नीचे गिरने ने इंडस्ट्री वालों के सामने एक एग्जाम्पल खड़ा कर दिया था, और टीना के फैंस को तो गुस्सा आना ही था। और फिर उन्होंने गुस्से में कहा, घटिया लड़की हमारी टीना जी की सारी मेहनत को बर्बाद करके अच्छा नहीं कर रही है। वैसे हमारी टीना जी ने ही इसे वापस क्यों नहीं ले लिया? मानव ने बहुत सारी जुगाड़ लगाकर इसे हासिल करके मोनिका को दिया था, और ये बहुत बुरी बात है कि वो इसे आगे बढ़ाने के लिए कुछ कर नहीं सके, और अब तो वो इसे बेचने का भी प्लान बना रहे हैं। कितने खटिया लोग हैं दोनों। मुझे सच में आज भी उस वक्त की याद आती है जब हमारी टीना जी ने सुपरस्टार मीडिया में रहकर रेशमा और तन्मय को इस काबिल बनाया कि वो आज यहाँ तक पहुंच चुके हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि उनकी उस एजेंसी को उनकी वो खटिया हमशक्ल बेच रही है। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं जोर जोर से रोऊं। टीना ने जैसी कंप्लेंट सुनी पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपना स्टैंड पॉइंट जानती थी। उसने जब भी अपनी पहचान बदली है तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। टीना समझ गई थी कि उसकी सुपरस्टार मीडिया का खत्म होना बहुत शर्म की बात है, लेकिन जब एक एजेंसी खत्म होती है तभी इस इंडस्ट्री में कुछ बदलता है। पहले तो वो बड़ी भली थी। टीना जी कुछ तो कहिए, एक शब्द ही काफी होगा। फैंस की इतनी सारी बातें सुनकर, इतनी रिक्वेस्ट देखकर रितिका ने उनकी इच्छाएं टीना तक पहुंचाई और कहा, अगर तुम उन्हें थोड़ी तसल्ली दे दोगी तो उन्हें इतना बुरा नहीं लगेगा। ध्यान से सोचने के बाद टीना उसकी ये बात मानने को तैयार हो गई, इसीलिए उसने फैंस की बातों का जवाब देने के लिए रणविजय के प्राइवेट सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल किया और लिखा, आज मैंने रावत साहब के सोशल मीडिया अकाउंट का पासवर्ड चोरी किया है, क्योंकि मैंने सुना है कि सुपरस्टार मीडिया को बेचा जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है सुपरस्टार मीडिया जरूर अच्छे हाथों में पहुंचेगा, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। टीना ने इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा। इतना ही नहीं, उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उसे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो सुपरस्टार मीडिया की तरफ से तो जवाब दे नहीं रही थी, वो तो इस बात का जवाब इसीलिए दे रही थी ताकि उसके फैंस का दिल ना टूटे। और उसका ये जवाब देखने के बाद उसके फैंस शांत हो गए। इसे ऐसा लगा कि टीना खुद से रिलेटेड खबरों के बारे में जानती है, और जैसा कि सबको लगता है कि वो हर समय हर बात को इग्नोर करती है, ऐसा कुछ है नहीं। उसके इस जवाब से लगा कि इस समय वो ना तो ज्यादा खुश है और ना ज्यादा दुख, क्योंकि अभी तक सुपरस्टार मीडिया मोनिका के ही हाथों में है। उसका अपना स्टेटस और रुतबा है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। मुझे भी, वैसे तो मैं भी उन पर विश्वास करना चाहता हूँ, लेकिन हमारी टीना जी ने अभी तक इसके लिए कुछ भी नहीं किया है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टीना ने कुछ भी नहीं किया है, वो तो बस अपनी चाल को सीक्रेट रखती है। ये मत कहना कि हमारे पास इस एजेंसी को बिकते हुए देखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं बहुत ही बेचैन हूँ टीना जी, जल्दी कीजिए और इसे वापस ले लीजिए। टीना के फैंस बहुत ही बेचैन थे क्योंकि उसकी बनाई एजेंसी को उसकी घटिया हमशक्ल बेचने जा रही थी। ये टीना के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती की बात थी। और हाँ, जब ये जवाब मोनिका ने देखा तो उसे बहुत खुशी हुई, क्योंकि टीना को उसकी किसी भी वजह से आगे बढ़कर जवाब देना पड़े इस बात से खुशी तो होनी ही थी। जबकि ये खबर फैलती जा रही थी और इसकी वजह से इंडस्ट्री में काफी शोर मचा हुआ था। इस दौरान कुछ कंपनीज ने आकर एजेंसी को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई जो उसके इस काम को बरकरार रखना चाहती थी। आखिर सुपरस्टार मीडिया ने इंडस्ट्री में जो जगह बनाई थी वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। हालांकि वो लोग ये जानते थे कि वो टीना जितनी मेहनत तो नहीं कर सकते हैं, पर फिर भी ये बहुत ही अच्छा सौदा होगा। किसी ने उस एजेंसी के लिए 12 करोड़ रुपए की कीमत ऑफर की। मोनिका ने ये कीमत सुनकर उस कंपनी का मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे सच में समझ नहीं आता कि कोई इसकी इतनी कीमत कैसे लगा सकता है, लेकिन मुझे लगता है मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। इसे बेचने का प्लान किसने बनाया है? उसकी मैनेजर ने उसके पास बैठते हुए पूछा। एक बार मुझे देखने दो, मुझे ये राइजिंग स्टार मीडिया पसंद है क्योंकि इसका बेस बड़ा ही स्ट्रांग है और ये मुझे आगे बढ़ने में मदद भी कर सकती है। इस समय ये कंपनी भरोसे के लायक है। मोनिका के मैनेजर ने वो इन्फॉर्मेशन देखकर मोनिका की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ठीक है तो हो गया फैसला, चलो जितना जल्दी हो सके इस एजेंसी के शेयर्स को बेच देते हैं। अब मैं उस औरत के साथ और जुड़कर काम नहीं करना चाहती हूँ। तो मानव का क्या होगा, तुमने उसके बारे में कुछ सोचा नहीं है क्या? उसके मैनेजर का इशारा इस तरफ था कि मोनिका को वो शेयर्स मानव ने ही तो दिए थे, तो क्या उसे कम से कम उसे इस बारे में बताना नहीं चाहिए? ये उसकी खुद की इच्छा थी, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मोनिका ने हंसते हुए कहा। अब इस बात से उसका कोई लेना देना नहीं है।